वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग. सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज योर द LLP एक्ट, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, द LLP एक्ट 2008. सुनो, LLP एक्ट 2008 किस लिए आया और कैसे आया, पूरा जन लोग डिस्कस करने वाले हैं. सुना ध्यान से, बहुत बार तुम लोग को कंफ्यूजन होता होगा, तुम लोग कहीं कहीं देखता होगा LLP एक्ट 2008 की कहीं पे 2009 लिखा है, कहीं पे 2008 लिखा है, कहीं पे 2009 लिखा है. इसका रीजन है, हम तुमको बताएंगे. ऐसे ही नहीं लिखते इन लोग, कहीं पे देखोगे LLP एक्ट 2008 लिखा है, कहीं पे LLP 2009 लिखा है. तो मैम एक्चुअली है क्या वो बताइए ना, ये कंफ्यूजन क्यों? ये कंफ्यूजन इसीलिए, जैसे कि आपको पता है एक्ट पहले पास होता है बिल के फॉर्म में इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड देन इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फॉर इट्स असेंट. समझ मारे? तो पहले क्या हुआ था ना, 12 दिसंबर, बोलो कितना, वो ऐतिहासिक दिन कौन सा है? वो ऐतिहासिक दिन है 12 दिसंबर 2008 को LLP एक्ट पास नहीं हुआ था, बिल पास हो गया था इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा प्लस राज्यसभा. यानी लोकसभा राज्यसभा यानी पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल चुका था, कब बताओ, 12 दिसंबर 2008. फिर लेकिन पता है क्या हुआ, 7 जनवरी को, कितना जनवरी को बताओ, 7 जनवरी. अब जनवरी कौन सा होगा, गेस करो, 2009, 8 के बाद तो 9 ही आएगा ना, कि पीछे चल जाते हो, आगे जाते हो ना, ठीक है. 7 जनवरी 2009 को फाइनली प्रेसिडेंट ने क्या किया, असेंट दिया. क्या मिला बताओ बिल को, प्रेसिडेंट का असेंट, और बिल क्या बन गया, एक्ट. समझ में आ रहा है? यानी बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ने बिल को पास कर दिया, फिर कहां पे भेजा गया, प्रेसिडेंट के पास. बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ने LLP एक्ट को कब अप्रूव कर दिया, कब पास कर दिया, 12th of December 2008, और प्रेसिडेंट को उनका असेंट कब मिला, 7th of January 2009. और फाइनली द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड जस्टिस, दैट इज अ रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट रिलीज्ड इट इन द ऑफिशियल गैजेटे ऑन 9th of January 2009. कब रिलीज किया बताओ, 9th of January 2009. और आपका क्या पास हो गया, LLP एक्ट. तो एक्चुअली तो पार्लियामेंट में तो 2008 में ही अप्रूवल मिल गया था, प्रेसिडेंट जी समय लगाए ना सिग्नेचर करने में. और तुमको लगता है कि प्रेसिडेंट क्या ही करता है, वो खाली अपना ठप्पा लगाता है, समझ में आ रहा है, कुछ और चेंजेस वगैरह करता है क्या? तो दैट इज मेयर फॉर्मेलिटी. तो इसलिए LLP एक्ट 2008 बोला जाता है. बट अगर कहीं 2009 देखोगे तो कंफ्यूज हो गए क्या, क्योंकि दोनों ही तो जस्टिफाइड है ना. क्योंकि एक्चुअली एक्ट, प्रेसिडेंट का सेंट कब मिला एक्ट को, 2009 में, लेकिन पार्लियामेंट ने कब पास कर दिया, 2008. तो कहीं भी देखोगे LLP एक्ट 2008 लिखा है, कहीं भी देखोगे LLP एक्ट 2009 लिखा है. समझ में आ रहा है? तो इसके लिए जो है मोर्चा मत खड़ा कर देना, सही डेट बताइए, बता दिए पूरा बैकग्राउंड, क्लियर है. तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट गॉट अप्रूवल फ्रॉम बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन विच डेट, 12th of December 2008. देन प्रेसिडेंट गेव इट्स असेंट ऑन विच डेट, 7th of January 2009. एंड फाइनली इट वॉज रिलीज्ड ऑन द ऑफिशियल गैजेट ऑन 9th of January 2009. मैम व्हाई दिस LLP एक्ट, व्हाट इज दिस LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता क्या है, क्यों लाया गया इसको? जैसे कंपनीज एक्ट को लाने का रीजन था 2013 को उखाड़ कर फेंका गया, ऑब्लिट्रेटेड, 2013 गॉट इंट्रोड्यूस, वैसे LLP एक्ट क्यों लाया गया, कुछ तो रीजन होगा. हाँ बिल्कुल रीजन है. सुनो ना, जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना, वो बहुत सारा लूपहोल से सफर करता था. द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप सफर्ड फ्रॉम टू मेनी ड्रॉबैक्स. मैम व्हाट ड्रॉबैक? सबसे घटिया ड्रॉबैक तो है अनलिमिटेड लायबिलिटी. हम लोग तीनों जन मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोले, D&Associate D&Company, पता है ना पार्टनरशिप फर्म, LTD PVT LTD वर्ड देखोगे क्या? हम लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म खोला, D&Company, एक पार्टनरशिप फर्म खोला जिसका नाम क्या है जल्दी से बता दो, D&Company, क्लियर है. अब क्या हो रहा है ना, हम लोग तीनों का ही लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड. यानी हम लोग का घर बार जायदाद प्रॉपर्टी फ्रिज टीवी सब बेचकर क्रेडिटर लोग का रुपया चुकाया जाएगा क्या, अगर पार्टनरशिप फर्म के पास सफिशियंट एडुकेट असेट नहीं है? हाँ, वही तो मतलब वो अनलिमिटेड लायबिलिटी का. तो लोग अब पार्टनरशिप फर्म खोलने से डरने लग गए, बोले यार कौन खोलेगा, सोचो हम तो खोल लेंगे बट मेरे संग पार्टनर लोग कौन बैठा है, देखो तुम लोग, समझ में आ रहा है, इन लोग का क्या भरोसा. प्लस सबसे बड़ा ड्रॉबैक इट इज सफरिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी, व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी, टेल मी, वेरी गुड. एक तो होता है कि जो पार्टनर है वो पूरे फर्म का एजेंट है, वो तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का भी एजेंट है. One foul act of the partner is going to also bind the rest of the partners in the partnership firm. हम अपना जिम्मेदारी तो ले लेंगे, हम तनिषा और संचिता का जिम्मेदारी कैसे लें? समझ में आ रहा है? इन लोगों को क्या भरोसा, मेरा नाम यूज करके कुछ भी कर्मकांड कर दे तो फंसेंगे तो हम ही. तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि नहीं, किसका ड्रॉबैक था, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म का.
किसका ड्रॉबैक था? ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। ओ अब समझ में आया, तो इसीलिए एलएलपी आया क्या? हाँ तो फिर मैम कंपनी खोल लेते लोग, कंपनी में तो ये सब दिक्कत है ही नहीं। कंपनी में तो आजकल ओपीसी भी अलाउ कर दिया गया 1% कंपनी। कंपनी में क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर है? लिमिटेड, क्योंकि 99.999% ऑफ द कंपनी कैसा होता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो वहां तो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अनपेड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, है ना? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है? तो लोग कंपनी खोल लेंगे, समझ में आ रहा है? अगर पार्टनरशिप फर्म का ड्रॉबैक खोलना है तो कंपनी खोल सकते हो ना। व्हाई दिस एलएलपी? मैम आपको नहीं पता, आपको इनफैक्ट ज्यादा पता होगा कंपनी खोलने के लिए कितना फॉर्मेलिटी है बाबा, इतना सारा कंप्लायंसेस है। दुनिया भर का आरओसी को फॉर्म जमा दो, ई फाइलिंग करो, आरओसी को जमा दो, वो अलग बात है। मोदी जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिए, लेकिन वो बड़े लोगों के लिए, जिन लोगों को बहुत लार्ज स्केल बिजनेस करना है। हमारे जैसे छोटे इंसान को छोटा मोटा बिजनेस करना है, उसके लिए हम लोग को कंपनी खोलकर अपना इतना सारा कंप्लायंसेस वगैरह बढ़ाना नहीं है। हम लोग को औकात नहीं है कि हम लोग कोई सीएससी एससीएमए को रखकर लॉ को इंटरप्रेट करवाए, फिर सारा कंप्लायंसेस करवाए, औकात नहीं है। हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है। कुछ ऐसा सा हल बताइए ना कि हम लोग काम भी करें, लाइबिलिटी भी हम लोग का क्या रहे, लिमिटेड रहे, और कंप्लायंसेस भी कम हो जाए। सो देन अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू द पिक्चर, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। दैट्स अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर। समझ में आ रहे हैं? हाइब्रिड फॉर्म क्यों बोला गया? बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल ऑफ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड मॉडर्न कंपनी फॉर्म, दोनों के बीच का है। दोनों का गुड फीचर को मिलाकर क्या बन गया? एलएलपी। अच्छा एलएलपी में कंप्लायंसेस कम लगता है, हाँ। अच्छा एलएलपी में मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी होगा पक्का, हाँ। अब यहाँ पे एलएलपी के जो मेंबर्स है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर। क्या बोलते बताओ? पार्टनर। अब सुनो, यहाँ पे काम कौन करता है? डे टू डे मैनेजमेंट कौन करता है? डीपी। बोला डीपी नहीं जो तुम लगाते हो डेली और बदलते हो? डेजिग्नेटेड पार्टनर। डीपी का फुल फॉर्म बताओ क्या? डेजिग्नेटेड पार्टनर। यानी एलएलपी में कौन रहता है बताओ ना, एलएलपी में कौन रहता है जल्दी बताओ? पार्टनर लोग रहते हैं और कौन रहता है? डीपी लोग। एलएलपी में कौन रहता है? पार्टनर लोग रहते हैं और बताओ? डीपी लोग। पार्टनर रहते हैं और कौन रहते हैं? डीपी। डीपी का फुल फॉर्म बताओ? डेजिग्नेटेड पार्टनर। कहने से एलएलपी मेरा हाइब्रिड है, हाइब्रिड फॉर्म है जो किसके बीच में लाई करता है? बिटवीन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड मॉडर्न कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। दोनों के गुड फीचर को कंबाइन करके क्या बन गया? एलएलपी। सो कैन आई से इट इज नथिंग बट एन अल्टरनेट टू द कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म, टू द कंपनी फॉर्म, उसका अल्टरनेटिव है ये एक। तो एलएलपी क्यों कर रहे हैं लोग? इससे क्या हो रहा है? मेरा कंप्लायंसेस कॉस्ट जो कंपनी में ज्यादा होता है, यहाँ पर क्या होने वाला है? कम। मेरा कंप्लायंस कॉस्ट क्या लगेगा? कम की ज्यादा? कम। लाइबिलिटी क्या? लिमिटेड की अनलिमिटेड? लिमिटेड। लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड की अनलिमिटेड? लिमिटेड लाइबिलिटी। यस और नो? क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट? और सुनो ना, और सबसे मजा का बात पता है क्या है? यहाँ पे जो पार्टनर्स लोग काम करेंगे ना, इनको फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया अपने काम में। जैसे कंपनी में तो डायरेक्टर अलग, मैनेजमेंट अलग, डायरेक्टर मैनेजमेंट संभाल रहा है डिसीजन के लिए, मालिक लोग को बुलाओ, जनरल मीटिंग करो, कहीं पे ओआर, कहीं पे एसआर, कहीं पे बीआरएड बीएम, कितना झमेला यार। यहाँ पे तो सारा डिसीजन कौन लेगा? डीपी लोग, डेजिग्नेटेड पार्टनर। पार्टनर लोग से पूछ कर लो, और इनफैक्ट पार्टनर लोग के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट, जहाँ पे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स कैन बी डिसाइडेड, दैट इज कॉल्ड एज एन एलएलपी एग्रीमेंट। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एलएलपी एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बताओ ना? एलएलपी एग्रीमेंट वगैरह बना लेंगे। समझ आ रहे? क्या बना लेंगे? एलएलपी। तो एलएलपी एग्रीमेंट बनाकर मेरे को बताओ क्या फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर होगा? यस और नो? हाँ। किसके काम में? पार्टनर्स इन द एलएलपी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है एलएलपी का बेनिफिट्स क्या क्या हुआ? एलएलपी का बेनिफिट्स क्या क्या हुआ? इजी टू फॉर्म, इजी टू फॉर्म अनलाइक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, इजी टू डिसॉल्व, जितना बनना इजी है उतना ही इसको मार डालना भी इजी है। इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व। फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है? इन ईज ऑफ ऑपरेशन बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट? एलएलपी क्या? डीड। इट्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी एंड द एलएलपी, जहां म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स कैन बी डिफाइंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब कोई डाउट है क्या यहाँ तक? और सबसे बड़ा बात, यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो जाएगा? लिमिटेड। लायबिलिटी क्या हो जाएगा पार्टनर्स का? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। समझ में आ रहा है? द पार्टनर्स आर लायबल ओनली टिल द अमाउंट ऑफ द एग्रीड कंट्रीब्यूशन बाय देम व्हिच इज रिटन इन द एलएलपी एग्रीमेंट। जितना लोग कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? कैपिटल। तो उनका लायबिलिटी कितना लिमिटेड रहेगा? अप टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। और वो सब कहां पे डिफाइन करते हो? कौन कितना कैपिटल लाएगा, किसका क्या होगा? एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट? एलएलपी डीड। यहां तक पूरा क्लियर है क्या?
तो एलएलपी क्यों आया आपको समझ में आ रहा है? और एलएलपी क्या है बताओ? हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस है। क्या मेरे को बताओ? हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो दोनों का गुड फीचर को मर्ज कर लिया, किसको? पार्टनरशिप प्लस कंपनी, और दोनों का ड्रॉबैक को क्या कर लिया? ओवरकम। कंपनी फॉर्म का ड्रॉबैक क्या था? लॉट ऑफ कंप्लायंसेस, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। बट पार्टनरशिप का ड्रॉबैक क्या था? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये दोनों ड्रॉबैक को ओवरकम करके किसका जन्म हुआ? हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपनी, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपनी प्लस पार्टनरशिप, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो समझ में, एलएलपी क्यों लाया गया? ठीक है, बताओ मेरे को, एलएलपी एक्ट कब पास हुआ? बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, 12th of December 2008। वेरी गुड। और फिर उसके बाद मेरे को बताओगे और एक चीज, क्या प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला? वेरी गुड। और फाइनली क्या हुआ बताओ? हाँ, 9th ऑफ ऑफिशियल गैजेट में रिलीज कर दिया गया क्या? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इसको रिलीज कर दिया क्या? हाँ। और क्या चीज का जन्म हुआ? एलएलपी एक्ट। बताओ यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? श्योर, एब्सोल्युटली क्लियर। अब सुनो ना, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझना पड़ेगा। पूरा एलएलपी एक्ट में टोटल मिलाकर 81 सेक्शन है। बताओ कितने सेक्शन है? द एंटायर एलएलपी एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शन, ऑफ व्हिच एज ऑफ नाउ लेटेस्ट सेक्शन 81 ऑब्लिटरेटेड। सेक्शन 81 पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? क्यों नहीं पढ़ेंगे मैम? हम पढ़ेंगे, नहीं है? जर्सी पढ़ोगे, जो हट जाते हो वही पढ़ते हो। सेक्शन 81 मौजूद है कि नहीं मौजूद है? नहीं मौजूद है। टोटल एलएलपी में कितने सेक्शन? आई रिपीट, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 81, जिसमें से सेक्शन 81 को क्या कर दिया गया? ऑब्लिटरेट, हटा दिया गया है। टोटल एलएलपी का जो एक्ट है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 शेड्यूल। बोलो कितना शेड्यूल है? 4 शेड्यूल। हाउ मेनी सेक्शन, हाउ मेनी शेड्यूल? फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। बोलो ये तो हम लोग को पता ही है मैम, 4 है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही होगा। इसमें आप क्या नया बता दिए? नहीं, नया बताएंगे अभी कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, थर्ड में क्या आता है, फोर्थ में क्या आता है। ठीक है, वापस से मेरे को बताओ, द एंटायर एलएलपी एक्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी शेड्यूल? 4। बोलो फर्स्ट शेड्यूल, बोलो बोलो, अच्छा लगेगा। बस स्टॉप करो यार, या एक दो तीन चार पांच नहीं चल रहा, गाना नहीं चल रहा है। चार ही है तो चार ही तक बोलेगा ना, कि गिनती चालू किया तो बस करते ही जाएगा, करते ही जाएगा, तो टर्म लगते ही जाएगा। थमना सीखो लाइफ में, लाइफ में थमो। सुना रहे यार, अपने वर्ड्स का ना वैल्यू रखो, अनाप शनाप बस बोलते मत रहा करो। तुम्हारे एक, तुमको उस दिन भी मैंने बोला, तुम जो बोलोगे उसका तुमको लास्ट में क्या मिलने वाला है? पैसा। तो स्पीक वाइसली यार, अपने एनर्जी को वो करो। नहीं, बोलना भी जरूरी है। गूंगे हो क्या जो नहीं बोलोगे? सीख जाओगे मेरे से, कोई बात नहीं। इधर आओ, कब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सब सिखा देंगे तुम लोग। अभी इधर आओ, कितना शेड्यूल है बताओ? टोटल 4 शेड्यूल। बोलो आदिल, कितना शेड्यूल है? फर्स्ट शेड्यूल, सुना, फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या चीज से डील करता है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। किससे डील करता है बताओ? पार्टनर लोग का क्या राइट होगा, क्या ड्यूटी होगा, ये बात कहां पे लिखा गया है? मैम अभी तो आप बोल रहे थे पार्टनर लोग का राइट और ड्यूटी म्यूचुअली लोग डिसाइड करता है एलएलपी एग्रीमेंट बनाकर। हाँ, तो अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं होता है तो शेड्यूल अट्रैक्ट हो जाता है। कंपनीज एक्ट में भी भर भर के पड़े हो, इफ द आर्टिकल इज साइलेंट शेड्यूल विल अप्लाई। तो ऐसे यहाँ पे अगर क्या पार्टनरशिप डीड नहीं है, फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट साइलेंट है, तो किसका प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा? बोलो, फर्स्ट शेड्यूल अप्लाई हो जाएगा। यानी फर्स्ट शेड्यूल में क्या कंटेंट है बताओ? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, ठीक है, विथ ईच अदर एंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एलएलपी फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। लेकिन ये कब अप्लाई होगा? ओनली इन एब्सेंस, जब क्या है मेरे को बताओ? हाँ, क्या नहीं? इन एब्सेंस ऑफ द फॉर्मल एग्रीमेंट। फॉर्मल एग्रीमेंट मतलब क्या? एलएलपी एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं है तब क्या होगा? फर्स्ट शेड्यूल अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है बताओ? राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर amongst each other and in relation to the business of the LLP firm, only when it will be applicable, when there is no formal agreement, LLP deed नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सुना। Second schedule talks about conversion of partnership firm into LLP firm।
सेकेंड शेड्यूल किसका बात करते हैं बताओ, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। सिर्फ फर्म बोलोगे तो मतलब समझ में आ रहा है, वो एलएलपी थोड़ी होगा, एलएलपी तो पूरा ही मुंह खोलकर बोलोगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो कन्वर्जन ऑफ क्या, फर्म इनटू एलएलपी, कौन डील करता है इससे, सेकेंड शेड्यूल। अच्छा मैम, जब एलएलपी का प्रोविजन आया तो बहुत सारा पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट करने दौड़ा होगा एलएलपी में, हाँ और नहीं तो क्या, उन लोग के लिए तो लाया गया, दुखियारी लोग के लिए, समझ में आ रहा है। अच्छा बहुत सारे कंपनीज भी होंगे जो चाह रहे होंगे यार जबरदस्ती, हम लोग का छोटा स्केल है लेकिन हम लोग को कंपनी खोलना पड़ा लिमिटेड लायबिलिटी की वजह से, क्योंकि इतना सारा क्या कंप्लायंसेस करना पड़ रहा है। अब जब एलएलपी आ गए तो क्यों ना हम लोग एलएलपी में कन्वर्ट ही करवा ले। तो शेड्यूल थ्री गेस करो क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। सुनो ये देखकर टीसीएस बोला, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक बात बताओ क्या टीसीएस लिस्टेड कंपनी है, क्या रिलायंस लिस्टेड कंपनी है? रिलायंस बोल रहा है, मोटा भाई बोल रहे हैं हमको भी एलएलपी बनना है, हमको भी एलएलपी बनना है। चुप करके बैठो, नहीं बनने देंगे। तुम सोचो लिस्टेड लिस्टेड कौन होता है, बड़ा कंपनी, लिस्टेड मतलब भी बहुत बड़ा कंपनी है, इतना जो है जनता का रुपया ले रखा है, अब अचानक से बोलेगा हम धंधा बंद कर रहे हैं, आपका रुपया हुआ स्वाहा, अब हम जा रहे हैं एलएलपी में, अलाउ करेगा कि नहीं करेगा? नहीं अलाउ करेगा। तो लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। तो गेस करो फोर्थ शेड्यूल किसका बात करेगा, कन्वर्जन ऑफ द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू द एलएलपी। यानी क्या मैम, लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं होगा क्या? नहीं, बताओ क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। मजा आया, चारों शेड्यूल समझ गए? चलो एक बार वापस से बोलो, एलएलपी में कितना सेक्शन है? 81 तो है, लेकिन 81 का क्या हुआ है, ऑब्लिटरेट, ठीक है? फिर मुझे बताओ फर्स्ट शेड्यूल क्या चीज से डील करता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्मल एलएलपी एग्रीमेंट। सेकंड शेड्यूल किसका बात करता है, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। थर्ड शेड्यूल किसका बात करता है, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। फोर्थ शेड्यूल किसका बात करता है, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है? अब जैसे तुम लोग याद है, एक बात बताओ, जब कंपनीज एक्ट मेरे से पढ़ा था तो जितना भी डेफिनेशन था मैक्सिमम डेफिनेशन कौन से सेक्शन में था, सेक्शन 2 में था। वैसे ही तुमको पता है अब एलएलपी एक्ट में बहुत सारे डेफिनेशन होंगे, ये सारे के सारे डेफिनेशन कहां पे है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। एक और जोड़ लेना, वहां सेक्शन 2 क्लॉजेस पढ़े थे, सेक्शन 2 क्लॉज 20 किसको डिफाइन किया कंपनीज एक्ट में, कंपनी। यहां पे क्या बोल रहे, एलएलपी एक्ट में जितना भी डेफिनेशन है वो कहां पे कंटेंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। अभी क्या जोड़ने वाला है, क्लॉजेस, जितना भी डेफिनेशन होता है वो कहां पे होता है बताओ, क्लॉजेस, कहां पे होता है बताओ, क्लॉजेस। कोई दिक्कत है यहां तक? अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन तो बहुत सारा दिया है पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। टू स्टार्ट विथ सेक्शन 2 बोलो, सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, एड्रेस किसको डिफाइन किया है, एड्रेस किसको डिफाइन किया बताओ, एड्रेस। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, तुमको खुशी होगा ये जान के, कंपनीज एक्ट का एग्जीक्यूटिंग बॉडी कौन था, कौन एग्जीक्यूट करवाने का जिम्मेदारी था, एमसीए, याद है? एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी कौन था, एमसीए। वैसे ही एलएलपी एक्ट को कौन एडमिनिस्टर करता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तुम लोग शर्म करो, जब भी हम तुम लोग को एमसीए का वेबसाइट दिखाते थे वहां कंपनीज एक्ट क्लिक करते थे, नीचे में एलएलपी एक्ट लिखा रहता था कि नहीं दिखा रहता, तो एलएलपी एक्ट को भी कौन गवर्न कर रहा है, एमसीए। एलएलपी एक्ट को भी कौन गवर्न कर रहा है, देखना चाहोगे www. बोलो कहां जाए, mca.gov.in। बहुत दिन बाद जा रहे हो, नहीं चलो अभी बताओ, एक्ट्स एंड रूल्स में जाए, दिखा अभी बताओ कहां जाओगे, अभी ये इसमें मत चल जाना, कहां जाओगे, दिखाई दे रहा है, किसमें गए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है? अभी हम लोग सबसे पहले किसका बात करें बताओ, डेफिनेशन का, डेफिनेशन कहां पे दिया हुआ है, सेक्शन 2 में, समझ में आ रहा है? अभी मैंने बोला सेक्शन 2, देख रहे हो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, रीड करना आया? देखो ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 2 नहीं है, ये सेक्शन 2 है, और ये क्या है, सबसेक्शन 1, और नीचे क्या है, क्लॉज ए, ए फॉर एड्रेस, एड्रेस का डेफिनेशन दिया है, क्या गजब का डेफिनेशन दिया, हिल जाओगे सुनकर, तुमने सुना ही नहीं होगा ऐसे एड्रेस का डेफिनेशन। सुनो ना, एलएलपी में मेंबर लोग को क्या बोलते हैं, पार्टनर, तो एड्रेस इन रिलेशन टू पार्टनर बोला, एड्रेस इन रिलेशन टू क्या बोला है, पार्टनर।
अब मजे का बात यह है, पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनर कैन ऑल्सो बी अ बॉडी कॉर्पोरेट. पार्टनर कैन बी इंडिविजुअल, पार्टनर कैन बी अ बॉडी कॉर्पोरेट. किसका बात हो रहा है? एलएलपी का बात हो रहा है. तुम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म में मत चल जाना, समझ मारे? तो अब ध्यान से सुनना, बोल रहा है अगर इंडिविजुअल पार्टनर है ना, कौन है बताओ इंडिविजुअल पार्टनर, तो उसके रिलेशन में एड्रेस का मतलब हुआ उसका रेसिडेंशियल एड्रेस, वो जहां रहता है. और अगर बॉडी कॉर्पोरेट है ना, तो उसके रिलेशन में एड्रेस का मतलब गेस करो क्या होगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस. जहां उस बॉडी कॉर्पोरेट का क्या रजिस्टर्ड ऑफिस, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना बॉडी कॉर्पोरेट, तो क्या उसका कोई घर होगा क्या, रेसिडेंस होगा क्या? पर जो इंडिविजुअल है उसका तो घर होगा. जैसे तुम कौन हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो कि इंडिविजुअल हो? इंडिविजुअल. घर का एड्रेस बताओगे मेरे को? नहीं, हम आएंगे नहीं. ऐसे पूछ रहे हैं, आए क्या? अच्छा कलकत्ता में तो आ जाएंगे, ठीक है. हाँ बिहार आ जाएंगे. अच्छा एक एक बात बोले, अगर तुम लोग को रैंक आएगा ना जिसका, हम उसके घर आएंगे, बस तुमको बिना बताए आएंगे. कब आएंगे? रैंक लेकर आओ, देखना घर में घुसकर पार्टी देंगे तुम लोग, समझ मारे? तुम उठो ऊपर उससे, समझ मारे? इधर आओ. अभी एक बात बताओ मेरे को, इंडिविजुअल के रिलेशन में क्या होगा बताओ, रेसिडेंशियल एड्रेस. और कंपनी के रिलेशन में, बॉडी कॉर्पोरेट के रिलेशन में क्या होगा? देखो इधर, एड्रेस. स्टॉप टॉकिंग. एड्रेस किसके रिलेशन में पड़ रहे बताओ? पार्टनर. यहाँ एड्रेस का मतलब इन रिलेशन टू क्या है? पार्टनर. किसका पार्टनर? एलएलपी का. अगर इंडिविजुअल है तो क्या बोला? हिज यूजुअल रेसिडेंशियल एड्रेस. और अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या बोला? एड्रेस ऑफ द क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस. ये गार्डन है क्या आपका? एग्जाम था क्या? ठीक है बैठ जाओ. ओके चिल, बैठ जाओ. तुमको एड्रेस का डेफिनेशन याद हुआ? बोलो, विच सेक्शन डिफाइंस एड्रेस? सेक्शन टू सब सेक्शन वन क्लॉज ए. एड्रेस इन रिलेशन टू पार्टनर ऑफ द एलएलपी. अगर पार्टनर इंडिविजुअल है तो उसका मतलब क्या है? रेसिडेंशियल एड्रेस. और अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो एड्रेस ऑफ द क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस. कोई डाउट है कि यहां तक क्लियर है? अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग करेंगे क्लॉज डी में. किसमें बताओ? डी. डी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी, तो डी डी आता है ना, बॉडी डी याद रहेगा. किसको डिफाइन किया? बॉडी कॉर्पोरेट. क्या मजाक कर रहे हो मैम? बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ द कंपनी एक्ट में पढ़ चुके. तुम मजाक कर रहे हो, अभी एलएलपी एक्ट चल रहा है, कंपनी एक्ट चल रहा है अभी. हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट कौन से एक्ट के अंडर पड़े? एलएलपी एक्ट. तुम वो जो 2-11 चिल्ला रहे हो ना, वो तो किसका है? कंपनीज एक्ट. हम लोग किसका बात कर रहे हैं मेरे प्यारे? और इसलिए सेक्शन सेम रहेगा कि चेंज होगा? बोलो, सेक्शन 2 फिर क्लॉज सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी. बॉडी डी याद रहेगा, बॉडी कॉर्पोरेट. अब यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया गया. शांति शांति सुनो, गजब का डेफिनेशन दिया है, सुनोगे? बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन में क्या दिया है? बोला, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कौन कौन आता है? कंपनी सेक्ट में तो एकदम बेकार रद्दी डेफिनेशन दिया था, याद है? सेक्शन 2 क्लॉज 11, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. इट वॉज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, रिमेंबर, इट वॉज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन. ये अच्छा है, मीन वाला दिया. देखो देखो, कह दिया ना, कह दिया, मीन्स दिया, मीन्स. तो मीन्स मतलब क्या? एग्जॉस्टिव, यानी इसमें तुम और कुछ घुसा सकेगा क्या? तो बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया. सुनो क्या बोला, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या क्या आता है? नंबर वन, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आता है वो वाला कंपनी जो तुम लोग कंपनीज एक्ट में डिफाइन करके आया है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर. मतलब कंपनी बोल देता है यार सीधा साधा, बट तुमको पता है कंपनी का डेफिनेशन भी अलग है. कंपनी डज नॉट इंक्लूड फॉरेन कंपनी. तो बोला वो वाला कंपनी जो डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, समझ में आया? उसको बोलते हैं क्या? बॉडी कॉर्पोरेट. तो बस यही आएगा बॉडी कॉर्पोरेट. नहीं सुनो तो, और ऐसा कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, यानी दोनों ही तो होगी, इंडियन कंपनी भी हो गया फॉरेन कंपनी भी हो गया. समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? और नीचे डिटेल में जाएं, तुम जो बोल रहे हो फॉरेन कंपनी भी हो गया, फॉरेन कंपनी के लिए तो और एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए था, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, डायरेक्टली इंडायरेक्टली होना चाहिए. तो मैंने तो खाली क्या बोला, अगर तुम बाहर भी इनकॉर्पोरेट है तो भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आ रहा है. यस और नो? एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द एलएलपी एक्ट, या फिर एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, ये सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट है. कंपनी आ गया जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइंड है, या ऐसा कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी जो एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर है, या फिर एक ऐसा एलएलपी जो कि आउटसाइड इंडिया, कंपनी इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, एक शॉर्ट में बताएं तो, है ना, एलएलपी इन इंडिया और एलएलपी आउटसाइड इंडिया, समझ में आया? बट शैल नॉट इंक्लूड, यानी कि एक्सक्लूड. किसको एक्सक्लूड करेगा? ध्यान से सुनना,
नंबर वन सोल कॉर्पोरेशन, बोलो मेरे संग क्या, सोल कॉर्पोरेशन, एंड नंबर टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना और जो सोल कॉर्पोरेशन है वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएगा, या फिर सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच मे बी नोटिफाइड बाई सी जी, सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाई सी जी। याद हुआ, बोलो किसको याद करवाया विथ सेक्शन, सेक्शन टू सब सेक्शन वन क्लॉज डी, ये किसका डेफिनेशन है एज पर कौन सा, इंक्लूसिव है मींस एग्जॉस्टिव, समझ में आ रहा है? तो बताओ इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, बोलो। कंपनी डिफाइंड अंडर अंडर सेक्शन टू क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी एक्ट, यानी एलएलपी इंडिया हो गया एक तरह से, या फिर क्या हो गया बताओ, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई दिक्कत? लेकिन क्या बोला, एक्सक्लूड, किसको एक्सक्लूड करेगा बोलो, एक्सक्लूड क्या क्या बोला, हाँ सोल कॉर्पोरेशन, और क्या बोला, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक चीज बोला एक्सक्लूड में, सुना होता ध्यान से तो बोल पाते, ध्यान नहीं आजकल पढ़ाई में, बोलो क्या है, वेरी गुड, सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी, क्या बोला बताओ, सच अदर नोटिफाइड बाय सीजी, ये कौन है पूरा लिखना, गंदा है तुम लोग का सोच, इधर आओ, समझ गए, समझ गए तो तुम लोग, क्लियर है क्या यहां तक, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? दो डेफिनेशन याद हुआ, कौन कौन सा, अरे एड्रेस और बॉडी कॉर्पोरेट, कोई दिक्कत है यहां तक? चलो अभी 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 हम लोग क्या करेंगे, एक और डेफिनेशन करेंगे फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का बताओ, और एक डेफिनेशन किसका करोगे? अच्छा एक बार चेक कर लो ना, बॉडी कॉर्पोरेट किया क्या, कहां पे डिफाइंड है, क्लॉज डी में, तो देखो क्या बोला, मींस अ कंपनी, जो कहां डिफाइन है, क्लॉज 20 सेक्शन 2 ऑफ द क्या, कंपनीज एक्ट 2013 देख रहे हो, और इसके अंदर क्या क्या है, एलएलपी अंडर एलएलपी एक्ट, एलएलपी आउटसाइड इंडिया या कंपनी आउटसाइड इंडिया, बट डज नॉट इंक्लूड सोल कॉर्पोरेशन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय द सीजी। हो गया, भूलोगे कभी बॉडी कॉर्पोरेट, कंफ्यूज होगे बॉडी कॉर्पोरेट वहां क्या था यहाँ क्या था, वहां का बॉडी कॉर्पोरेट तो एकदम बेकार था कंपनीज एक्ट में, याद है क्या ये सब, बता दो जल्दी से। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सुनो ध्यान से, फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन किसका, क्लॉज एल के अंदर, किसके अंदर, क्लॉज एल, फिर से बोलो तो ठीक से, फाइनेंशियल ईयर किसके अंदर आएगा, सेक्शन सेक्शन टू किसको डिफाइन किया है, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल ईयर क्या होते, ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एन एलएलपी मींस द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम, गेस करो, 1st of April एंड एंडिंग ऑन 31st March ऑफ द फॉलोइंग ईयर, उसी ईयर का हो जाएगा क्या, उस ईयर में आएगा ही कैसे, दूसरा ईयर में आएगा ना, लेकिन अगर ऐसा एलएलपी जो 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ, ऐसा एलएलपी जो 30 सितंबर के, तब उसके लिए क्या होगा बताओ, सुनो ध्यान से, एक तो मैंने बोला 1st April से लेकर क्या होता है, ये तो तुमको पता ही है, 1st April से लेकर क्या 31st March कब का, ऑफ द फॉलोइंग ईयर, लेकिन ऐसा एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हुआ है कब, आफ्टर आफ्टर 30th of September, तब तुम एक बात बताओ, तुम अगर 30 सितंबर के बाद का डेट पकड़ेगा, मतलब पैदा ही हुआ 30 सितंबर के बाद वो कंपनी, 1 अक्टूबर को पैदा हुआ है, तो फिर तुम समझो अगर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लेंगे, नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग 31st March, तो खाली कितना महीना हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना हुआ ना, तो इसीलिए पता है क्या बोला, इसलिए बोला कि आपको क्या करना है बताओ, फॉलोइंग ईयर का 31st March नहीं लेना है, उसके नेक्स्ट ईयर का, फॉलोइंग ईयर का नेक्स्ट ईयर का 31st March, फॉलोइंग ईयर का नेक्स्ट ईयर का 31st March, एंड कंपनी मे टेक बोला है, शैल नहीं है, मैं दिखाऊंगी तुमको बेरक दिखाकर खोलकर, बेयर एक्ट क्या होता है मैम, अरे अभी जो तुम पढ़ रहे हो सीधा वेबसाइट में जाकर, वही तो बेयर एक्ट है,
यानी इसका मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो, बता रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? सुनो, एक कंपनी है 15 अक्टूबर 2022 ठीक है को इनकॉर्पोरेट हुआ है, इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा बताओ? कहां से कहां तक लोगे? 15 अक्टूबर से लेकर कहां तक? अच्छा, इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 31 मार्च 2023। लेकिन मैंने क्या बोला, इसका नेक्स्ट 31 मार्च को एंड करेगा, तो 31 मार्च 2024। यानी इसका फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर से लेकर, अक्टूबर 2022 से लेकर कहां चला गया? मार्च 2024। कितना महीना हुआ? 18 महीना अप्रोक्सीमेटली, 15 दिन थोड़ा और लेस कर देना, अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ्स हुआ। फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, मैक्सिमम 18 महीना का होगा, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट है ना, फर्स्ट अकाउंट्स का है, उससे लेटर नहीं हो सकता, 18 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। मैम क्या 12 महीने से कम हो सकता है? हाँ, यानी अगर तुम चाहो तो फाइनेंशियल ईयर इसका कब एंड कर सकते हो बताओ? 6 महीना का हो सकता है, हाँ समझ में आ रहा है, यानी 12 महीने से कम का भी हो सकता है, 12 महीना से ज्यादा कब, लेकिन ये खाली किसके लिए बोला? फर्स्ट ईयर के लिए। लेकिन बाकी सब्सिक्वेंटली तो क्या होगा बताओ? 1 अप्रैल से लेकर क्या 31 मार्च। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? फाइनेंशियल का डेफिनेशन क्लियर है पक्का? अच्छा, ये कंपल्शन है क्या कि नेक्स्ट ईयर का फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च को लेना पड़ेगा? क्या बोला है? मे। क्या बोला है? देख लो, विश्वास नहीं होता तो नहीं देखो ना, बोलो फाइनेंशियल ईयर क्या बोला है? बोलो, मीन्स अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम क्या, 1 अप्रैल से कहां तक बताओ? टू द 31st ऑफ द क्या, मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। प्रोवाइडेड मतलब क्या? प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट SLLP जो कब इनकॉर्पोरेट हुआ है, 30th ऑफ सितंबर के बाद, समझ मारे, द फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन, देखो क्या लिखा है, 31st ऑफ मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। समझे कुछ? कोई दिक्कत है? अच्छा, इतना घटिया डेफिनेशन है क्लॉज एम में, हम नहीं पढ़ाएंगे, आप खुद पढ़ लो, फॉरन LLP का डेफिनेशन है, पढ़ लो तो खुद से। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन पढ़े हो? इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो वही तो लिखा है, इनकॉर्पोरेटेड क्या आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का क्लियर है? चलो, अब जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बार आ चुका है और आगे भी आते रहेगा, सेक्शन बताओ कौन सा है? सेक्शन 2। पढ़ो क्या लिखा है, टा, टीए, टा याद रहेगा, टा। अच्छा, ऐसे कौन करता है टा टा टा? छोटा बच्चा लोग करता है ना, अरे जब नया नया बोलना सीखता है क्या बोलता है, टा टा ऐसे करता है ना, टा टा टा। अरे बच्चे को नहीं देखे हो क्या कभी छोड़ा? तुम भी तो कभी बच्चे हो गए, सीधा क्या आई लव यू ही बोलना सीखे हो क्या? क्या बोलते थे, मुंह से क्या निकलता था, पा टा चा ये सब निकलता था ना तुम्हारे मुंह से, टा निकला, अज्यूम करो, व्हेन यू आर स्मॉल बेबीज क्या निकलता था मुंह से, टा। तो ये सुनो, इसका लिंक है, भावनाओं में मत बहो, कंट्रोल करो, स्मॉल LLP का डेफिनेशन है, बोलोगे कभी? स्मॉल LLP को डिफाइन किया गया है टा में, TA याद रहेगा, ये तो तुमको सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 तो बाय डिफॉल्ट हर जगह याद है, स्मॉल LLP के लिए, ओवर देयर बच्ची, स्मॉल LLP के लिए बताओ सेक्शन क्या है, ख्यालों से बाहर आओ, जागो, ख्यालों में कुछ नहीं रखा है, इधर ध्यान दो, बोलो, टाटा कर दे तुमको, बोलो क्या लिखा है, क्लॉज ना, बोलो ना ठीक से, पूरा बोलो, अरे आगे बोलो, क्लॉज टाने, टीए, किसको डिफाइन किया है? सीखना चाहोगे स्मॉल LLP क्या होता है? जो नहीं सुन रहे उसका पूरा हालत होने वाला एग्जाम में, पहले बोल रहे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, यश जब क्लास में हो सिर्फ मेरे हो तो आपस में क्यों बात कर रहे हो, 1000 बार बोले हुए हैं सुनते ही नहीं हो, इधर ध्यान दो, स्मॉल LLP कौन है, स्टॉप टॉकिंग, स्मॉल LLP कौन है ध्यान से सुनो, स्मॉल LLP का मतलब क्या है, एक ऐसा LLP जहां पे पार्टनर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन शुड नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज
और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब बट के नॉट बी हायर देन 5 करोड़। याद है स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन किए थे, वैसे ही कुछ है। तो अभी वहां पे तो क्या पढ़ते थे हम लोग बताओ, वहां पे क्या पढ़ते थे? 440, याद है? यहां पे तुम दो लिमिट याद रखो, याद रहेगा? इसके लिए क्या बोला? कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन शेल नॉट एक्सीड कितना बोलो? कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कॉस्टिंग मत लगाने लग जाना, ओ सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर कैपिटल का बात हो रहा है बाबा, समझ में आ रहा है? मिला जुला के कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन शेल नॉट एक्सीड कितना, और क्या बोला? सच हायर अमाउंट एज मे बी, लेकिन किससे एक्सीड? भले ही, अच्छा एक बात बताओ, सीजी रूल में इससे हायर अमाउंट प्रेस्क्राइब कर सकता है क्या? बट इट शेल नॉट एक्सीड कितना, वेरी गुड, किससे ज्यादा नहीं होगा, समझ गए? एंड, एंड ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होना चाहिए, एंड वर्ड है, देखो क्या है बीच में, एंड। अब एंड क्या चीज के लिए बोला है? टर्नओवर, किसके लिए बताओ? टर्नओवर कब? इन द इमीडिएटली, वेरी गुड, सीख ही जाते हो, इमीडिएटली बोलते ही क्या बोलते हो, इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग, मतलब करंट का बात करें कि प्रिसीडिंग, अरे करंट में तो तुम देख रहे ना स्मॉल है कि नहीं है, तो तुम प्रिसीडिंग फाइनेंशियल का तो डेटा लेगा टर्नओवर के लिए, तो प्रिसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर शेल नॉट एक्सीड कितना बताओ? हाँ, शेल नॉट एक्सीड 40 लैक्स, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़। समझ में? बट तुमको बेसिकली क्या याद रखना है अभी बताओ, 25 और 40, तुमको क्या याद रखना है? प्लस सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब, और इन लोगों को क्या फॉलो करना पड़ेगा? सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब, टाइम टू टाइम सीजी प्रेस्क्राइब करते रहता है, अगर सीजी ने कोई और कंडीशन स्मॉल कंपनी के लिए प्रेस्क्राइब कर रखा है, स्मॉल एलएलपी के लिए, कंट्रोल करना हाँ, कंपनी मत लिख देना, स्मॉल एलएलपी के लिए प्रेस्क्राइब कर रखा है, वो भी ओबे करना पड़ेगा क्या? हाँ। तो अभी हम लोग क्या सीखे बताओ? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज, अरे शांति बाबा, देखो पढ़ो क्या लिखा है, टा है स्मॉल, ये तो मतलब तुम लोग पा वाला बना दी, एक मूवी आया था ना पा, तो टा स्मॉल एलएलपी मींस अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड्स कितना बोला 25, और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग कितना 5 करोड़, ठीक है? और टर्नओवर क्या बोला? टर्नओवर कब? करंट इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स कितना 40 लाख, और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग कितना 50 करोड़ एज मे बी प्रेस्क्राइब, और तीसरा भी क्या बोला? सच अदर रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब, बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? सारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने आपको एलएलपी एक्ट का याद करवा दिया, एड्रेस का डेफिनेशन किया हम लोगों ने, फिर उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट का किया, फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर का किया, फिर किसका किया? स्मॉल एलएलपी का किया, क्लियर है? हाँ, फॉरेन एलएलपी भी किया, वेरी गुड, और एक क्या किया बताओ? फॉरेन एलएलपी, कोई दिक्कत है? एलएलपी एग्रीमेंट का डेफिनेशन करना चाहोगे? एलएलपी एग्रीमेंट करना चाहोगे? कर लो, इजी है, ओ में है, एग्रीमेंट का डेफिनेशन किसमें है? ओ, एग्रीमेंट देखोगे ना ऐसे दूरबीन लगा के एकदम ठीक से अच्छे से, ओ ओ, अच्छा ऐसे लिखा हुआ था एग्रीमेंट में, ओ। और बॉडी कॉर्पोरेट को कहाँ डिफाइन किया गया? बॉडी, डी डी डी, एड्रेस ए, और मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम लोग का वो फोनिक्स का क्लास नहीं होता है बचपन में, वो चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर बताओ, एल, याद रहेगा? फाइनेंशियल ल ल ल एल, समझ में आ रहा है? ल टा सब हो गया, आ, फिर उसके बाद ओ, ओ में किसको डिफाइन किया गया है? एग्रीमेंट। सुनो, एग्रीमेंट में क्या बोला, ध्यान से सुना, एकदम इजी, कुछ नहीं है, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में तो होगा ना यार, किसके रिलेशन में? मैंने क्या बोला, हम लोग क्या राइट करते हैं? म्यूचुअल राइट, ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, ठीक है? इन रिलेशन टू क्या? एल एल पी। इन रिलेशन टू क्या होगा? एल एल, देख लो एकदम इजी है, इट्स अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन क्या? पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर विच डिटरमाइन द क्या? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू द क्या? एलएलपी फॉर्म। सारा डेफिनेशन एब्सॉर्ब कर लियो बॉडी के अंदर, वेरी। टोटल हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? 81, बट 81 हट गए। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? अब सुनो एक चीज और, इतना प्यारा प्यारा डेफिनेशन मैंने आपको याद करा दिया,
कुछ कुछ डेफिनेशन ना एलएलपी एक्ट में कवर्ड ही नहीं है, कुछ कुछ डेफिनेशन एलएलपी एक्ट में कवर्ड, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कंपनीज एक्ट जिंदाबाद। सुना रे, जो डेफिनेशन एलएलपी एक्ट में कवर्ड नहीं है उसका डेफिनेशन कहां से ले लेंगे? कंपनीज एक्ट 2013। और तुमको याद है कुछ कुछ डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में भी कवर्ड नहीं था, तो वो कहां से उठा लेते थे? जीएलए, द जनरल क्लॉजेस एक्ट। याद करो, लॉ को पढ़ने का भी लॉ है, द जीएलए एक्ट, सबका बाप बैठा है जीएलए, याद है? वहां पे कितना चीज बताया था याद है? कहीं कहीं पे मे को शैल रीड किया जाता है, शैल को मे रीड किया जाता है। हाँ, वेरी गुड। मैस्कुलिन, फेमिनिन, ही इंक्लूड्स शी, हर जगह कंपनी एक्ट में फाइन पेनल्टी में लिखा है ही शैल बी लायबल, ही शैल बी लायबल। शी कुछ भी करे क्योंकि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, नहीं ही इंक्लूड करेगा शी को भी। समझ में आ रहे? व्हाई शुड शी हैव ऑल द फन? शी को भी सजा मिलेगा। तो सुन लो शी लोग, तुम लोग ये मत बोला कल को ओआईडी लोग जो है डायरेक्टर लोग ऐसा ऐसा बैठा हुआ है, देख रहे तो उल्टा पुल्टा काम करके आ गया, बोले मैम आप हर समय ही लिखवाते थे ना, तो हम लोग को लगा हम लोग को जेल नहीं जाना पड़ेगा। बाबू तुम लोग आधा अधूरा बात सुना है, ही शैल ऑल्सो इंक्लूड शी, जीएलए में लिखा है जाकर देखो, कंपनीज एक्ट में लिखा है नहीं लिखा उसे मतलब नहीं, समझ गए? तो बहुत सारे डेफिनेशन एलएलपी एक्ट में कवर्ड, तो उसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा? बोलो जल्दी, कंपनीज एक्ट 2013। कोई दिक्कत है यहां तक? देखो, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन पढ़ो, नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड वेयर इन द कंपनीज एक्ट शैल हैव द मीनिंग रेस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट एक्ट। समझ में आया कुछ? कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है? अब यहां तक लिखना पसंद करोगे कि और आगे पढ़ाते जाएं? नहीं, लिख लो पहले, फिर तुम ही लोग बोलेगा कुछ लिखवाए नहीं, गजनी बन जाओगे। लिख लो। अरे तुम लोग मेरे को ही भूल जाते हैं तो नोट्स को फिर कैसे याद रखेगा बताओ? लिखो, तुम लोग को हम ही नहीं याद रहते आजकल, तो तुम लोग मेरा नोट्स को कैसे याद रखेगा बताओ? तो लिख लो जल्दी से। चलो, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, सही बात है, लिखो लिखो जल्दी, राइट डाउन एलएलपी एक्ट हेडिंग दो। अच्छा एक बार पढ़ ले कि हम लोग देखो ना। अच्छा ये क्या एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया है क्या? हाँ, एलएलपी एक्ट कब नोटिफाई हुआ था? 2/1/2019। कितना सेक्शन है? 81। कितना शेड्यूल है? 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पूरा लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा एक बात बताओ, फीचर्स ऑफ एलएलपी ऑलरेडी डन और नॉट डन? गाइस प्लीज स्टॉप, बोलो क्या क्या है? लायबिलिटी, एक क्वेश्चन पूछ रहे, प्लीज आंसर देना। हाँ, एलएलपी सुना ध्यान से, एलएलपी में जो पार्टनर्स लोग है ना उनका लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड टू व्हाट? एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बट जो एलएलपी है उसका लायबिलिटी तो क्या है? अनलिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द असेट्स, जितना भी असेट्स एलएलपी का उसको तो रियलाइज करवाना ही पड़ेगा। इंडिविजुअल पार्टनर का अनलिमिटेड नहीं है, बट एलएलपी का तो कितना? लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द असेट्स हेल्ड बाय देम, यस और नो? ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ, एक बार पढ़ लो। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इज इट अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी? यस। इट्स एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल? यस। फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है पार्टनर लोग को? यस। ठीक है, और एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द क्या? फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट। लिखो जल्दी, स्पीड एकदम रॉकेट की तरह होना चाहिए, जल्दी जल्दी राइट डाउन। एलएलपी का 3 क्लास है, मेरे साथ कर लो, तुमको घर पे पढ़ने का भी दरकार नहीं, बट मेक श्योर यू आर वॉचिंग द क्लासेस। ओके, कल आ रहे हो कि नहीं? क्या बोला, क्या है उसका? नहीं, मेरे को अपना कान चेक करना है, हम सही सुने कि नहीं। क्या बोला? ए ढंग से लिखो, मजाक मस्ती मत करो। चलो, ये सेम टाइमिंग इज सेम, डेली बैक टू बैक हम लोग 3 दिन मिलेंगे एलएलपी को। सुहा, मॉर्निंग नहीं हो सकता ना? मॉर्निंग में तो तुम लोग को पता है मेरा लॉ का नया बैच चल रहा है, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट।
हंसने का टाइम नहीं है, हम बस 2 मिनट गिनेंगे और हटा देंगे ये, ठीक है? अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम हंसने में टाइम वेस्ट करोगे कि लिखने में? हंसते हंसते कट जाता है तुम लोग का रास्ता, मेरे संग पता ही नहीं चलता है तुम लोग का। क्या बोला? फोटो साफ नहीं आ रहा है? सर्फ एक्सेल लगाओ, साफ हो जाएगा। मेरे को क्या दरकार है सर्फ एक्सेल का ऐड का? कहां पे? हाँ, उसको ठीक कर लेना, ठीक है यार? 2-3 दिन के लिए उतना वो मत किया करो, मतलब समझ में आ रही है? ये सब डेट्स थोड़ी एग्जाम में पूछेगा तुमको। कर लो, ठीक कर लो उसको। तुम लोग को पता है ना 7 तारीख और 9 तारीख, बस उसको याद रखना। हाँ, और दिसंबर, उधर क्या 12 दिसंबर था। हाँ, कर लो जल्दी, हरी अप, स्पीड बढ़ रहा है। क्या बोलो, शेड्यूल क्या चीज का? तुमको यहां लिखना है तो असेंटेड लिख देना, वॉज असेंटेड। असेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कब? एंड फिर नोटिफाइड देयर आफ्टर। नोटिफाई कहां पे होता है बताओ? ये लिख लिया 81 सेक्शन 4 शेड्यूल। फिर यहां पे लिखो सेक्शन 81 क्या हो गया। ओमिटेड लिख लो या ऑब्लिटेटेड, कुछ भी लिख लो, ओमिटेड लिख लो। सेक्शन 81 लिखना, पता चला 81 पूरा ही ऑब्लिटेड कर दिया। लिखो 4 शेड्यूल जल्दी से। लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे कहाँ गए? अरे समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को सब? एग्जाम है। हाँ ठीक है, चल जाओ, बाद में कर लेना। एग्जाम है तो जाना ही पड़ेगा एग्जाम देने, जाओ। लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे मजा आ रहा है? बिंदु, श्रुति, साक्षी, दो ठो साक्षी, गुप्ता, सिन्हा, सुप्रिया, मानसी, अमृत, अफताब, एवरीवन एल्स। जिन लोगों का नाम नहीं लिया उनसे ज्यादा प्यार है इसीलिए नहीं लिया। हो गया यहां तक? डन। फेस टू फेस वाले बच्चे लोग तो अलग ही होता है, उन लोग का बात छोड़ दो। आफ्टर द क्लास। यहां तक हो गया क्या? फीचर्स लिखो। ए, शेड्यूल नहीं लिखा अभी तक। समझाओ अपना भाई बहन लोगों को। फीचर्स लिखो। हरी अप, हरी अप। हो जाए तो बता देना, वेटिंग फॉर यू।
हाँ मेरे को पता है आप लोग का कॉलेज का एग्जाम चल रहा है, इट्स ओके श्रुति, यू कैन मैनेज इट लेटर ऑन। जब भी नेक्स्ट क्लास आओ बस इंश्योर करना कि पढ़ के आ रहे हो जो पहला क्लास में पढ़ाया गया, नहीं तो कैच नहीं कर पाओगे बीच में से। हो गया एवरीवन, डेफिनेशन लिखो जल्दी। थोड़ा क्लास स्ट्रेच हो सकता है हाँ तुम्हारे राइटिंग स्पीड की वजह से, तो मेरे को मत बोलना क्योंकि मेरे को जितना आज पढ़ाना है हम पूरा पढ़ा के जाएंगे, मेरे को एनी हाउ उसको खत्म करना है, समझ रहे हो। कोई फायदा नहीं है उसका, तुम लोग लिखो ना थोड़ा सा हाथ जल्दी चलाओ, हो जाएगा। फिर यहाँ क्लास करेगा, फिर घर जाके नोट्स लिखेगा, डज इट मेक्स एनी सेंस। हो गया क्या यहां तक? सुनो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन हो गया क्या? देखो यहां पे 21D। अच्छा उसके पहले एड्रेस का डेफिनेशन लिख लो ना, मैंने लिखा नहीं यहां पे, लिखो। लिख दिया था क्या बॉडी कॉर्पोरेट? ठीक है एड्रेस याद दिलाना, लास्ट में लिखा देंगे फिर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, और यहां पे देखो क्या है, मींस है ना। क्या क्या इंक्लूड करता है? कंपनी अंडर डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 20, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इन इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया, मतलब एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट डज नॉट इंक्लूड्स क्या, सोल कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी। नो टॉकिंग गाइस प्लीज, सेकेंड लास्ट बेंच, शिवम अंकित डू नॉट टॉक। लिख लिया क्या? एल फाइनेंशियल ईयर किसमें था? एल सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एल फाइनेंशियल ईयर। देखो क्या बोला है, अगर 30 सितंबर के बाद है तब क्या बोला? 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर बोला कि नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर बोला नेक्स्ट, और अदर्स में तो क्या है 1 अप्रैल से लेकर क्या 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन, स्मॉल एलएलपी के पास वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। हाँ जिसका जो छूट गया है बाद में लिख लेना, अभी आप स्पीड थोड़ा ऐसे लिखो।
पीछे हो गया, फाइनेंशियल ईयर डन एवरीवन, स्मॉल लिखो, स्मॉल एलएलपी टा। एक बात बताओ, एंड वर्ड है कि और है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा क्या? यस yes. सुनो ना, ए एलएलपी है, कंट्रीब्यूशन 20 लाख है, टर्नओवर 50 लाख है इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बताओ क्या इसको स्मॉल एलएलपी बोल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन 20 लाख है, कंट्रीब्यूशन इज नॉट एक्सीडिंग 25 लाख। हाँ वेरी गुड, लेकिन टर्नओवर तो एक्सीड कर रहा है ना 40 लाख, टर्नओवर 50 हो गया ना, तो कैन इट बी कॉल्ड एज अ स्मॉल एलएलपी? टर्नओवर एग्जैक्टली 40 लाख है, अभी बताओ क्या स्मॉल एलएलपी है? बोलो 40 तो हो ही सकता है, 40 से ज्यादा नहीं हो सकता, तब स्मॉल एलएलपी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, समझ गए? हम लोग सब एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी। हाँ बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रेडी रखा है। नॉट एक्सीड 25 लिखोगे? हाँ, कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड कितना? 25 लाख, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब, लेकिन मैक्सिमम कितना प्रेस्क्राइब हो सकता है? 5 करोड़। हो गया, और एक कंडीशन क्या था बताओ? एंड सच अदर क्या रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। कंट्रीब्यूशन टर्नओवर का लिमिट लिख लियो, लिख लो, और वो सारे कंडीशन भी फुलफिल करना पड़ेगा, विच इज व्हाट? प्रेस्क्राइब्ड। डन, फिर देखो क्या लिखा है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज एंड नॉट डिफाइंड इन द एलएलपी एक्ट, तब किसका मीनिंग ले लोगे? कंपनीज है। अच्छा एक चीज और याद रखना, पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी प्रोविजन एलएलपी के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, तो नोट देखिए ये भी लिख लेना, पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट अप्लाई टू क्या? एलएलपी। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट अप्लाई टू क्या? एलएलपी। एड्रेस का डेफिनेशन लिखना चाहोगे क्या? लिख लो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, राइट डाउन। दिख रहा है क्या ये? इंडिविजुअल पार्टनर के केस में, और एक क्या बोला, इफ द पार्टनर इज अ क्या, और अगर इंडिविजुअल पार्टनर है तब क्या होगा?
रेसिडेंशियल एड्रेस होगा ना, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तब क्या होगा? मिला मत देना ये नीचे वाला पॉइंट को, दिख रहा है आपको? ये है हाँ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, दिख रहा है तो? फिर नोट वाला पॉइंट लिख लेना, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। और जहां पे डेफिनेशन एलएलपी में नहीं है वो किसका लग जाएगा डेफिनेशन? कंपनीज एक्ट का। यहां तक हो जाएगा, क्लोज योर कॉपी एवरीवन। अब एक दो टॉपिक और सीखेंगे सेक्शन 5, 6, 7 और उसके बाद लिखवा देंगे, फिर आज का क्लास खत्म, ठीक है? अभी सेक्शन 5, 6, 7 सीखना जरूरी है। यहां तक हो जाए तो प्लीज बताइएगा। देख लो, कैरेक्टर 6 नहीं लिखना है बाबू अभी, क्या चीज बोलो? देखो तुम कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना चालू कर देगा, अभी मत लिखना। हाँ वो क्या, क्लोज योर कॉपी एवरीवन गाइस। सुना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। सेक्शन 5, 3 सेक्शन लगातार पढ़ेंगे, बताओ क्या? सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 बात करता है पार्टनर कौन हो सकता है, सेक्शन 6 बात करता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में, और सेक्शन 7 बात करता है डीपी के बारे में। डीपी बोले तो कौन? डेजिग्नेटेड पार्टनर। सेक्शन 5 किसके बारे में बात कर रहा है, 6 किसके बारे में बात कर रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। और 7 किसके बारे में बात कर रहा है? डीपी। कोई दिक्कत है यहां तक? सुनो, सेक्शन 5 सबसे पहले बात कर रहा है पार्टनर, हु कैन बी द पार्टनर इन एन एलएलपी फर्म। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, क्या पार्टनर का इंडिविजुअल होना जरूरी है क्या? नहीं। क्या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकता है? यानी कि एक एलएलपी में हु कैन बी द पार्टनर, द पार्टनर कैन बी एन इंडिविजुअल या फिर द पार्टनर कैन बी अ क्या, बॉडी कॉर्पोरेट। कोई दिक्कत? इंडिविजुअल भी हो सकता है और कौन हो सकता है बताओ? बॉडी कॉर्पोरेट। पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन अगर एक पार्टनर इंडिविजुअल है ना तो ऐसे 3 प्रकार के इंडिविजुअल को हम लोग पार्टनर बनने नहीं देंगे। पगला, अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तुम अपने आप को तो संभाल, फिर तो फर्म को संभालेगा। तुम्हारा खुद का ठिकाना नहीं है, तुम एलएलपी को क्या संभालेगा शिवम? समझ रहे? सो अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन ऑफ, क्या इसको पार्टनर बनने देंगे कि नहीं देंगे? अलाउड कि नॉट अलाउड? अ पर्सन हु इज एन अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? इनसॉल्वेंट का आतंकवादी होता है। इज एन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मत मिलाओ यहां पे। इज एन अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट, कुक्कड़, कंगाली। ऋतिक रोशन का डांस याद कर लो, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, कुछ है नहीं, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। इनसॉल्वेंट, अ पर्सन हु इज एन अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट। या फिर राजन जैसे लोग जो अप्लाई कर रखे हैं इनसॉल्वेंसी के लिए बट उनका एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो भी अभी जजमेंट नहीं आया कोर्ट का, शांति रखो, बट सामने से खुद जाकर बोल दिया है। तुम लोग इसको पीछा कर रहे ना, पीछा नहीं छोड़ रहे, तुम लोग मान नहीं रहे कि इनसॉल्वेंट है, वो रहे कि नहीं, अभी हम लोग बंदूक लगाएंगे, ऐसे मारेंगे, ऐसे निकलेगा सोना का बौछार होगा। बोला नहीं, हम खुद जा रहे हैं कोर्ट में, डिक्लेयर करके आएंगे हम कि हम कौन हैं। हाँ, सो एनी पर्सन हु हैज ऑलरेडी क्या अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड टू बी एडजस्ट एज एन इनसॉल्वेंट,
बट इज एप्लीकेशन इज क्या पेंडिंग, अप्लाई कर रखा है लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, हिज एप्लीकेशन इज व्हाट पेंडिंग। तो ऐसे इंसान को तुम एलएलपी में पार्टनर बनाना चाहोगे? तो ये तीन प्रकार के इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकते। सुनो ना, इंडिविजुअल में तुम लोग कौन है, तुम लोग कौन है मेरे को बताओ? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो रेसिडेंट इन इंडिया तो बन ही सकता है। एक एनआरआई बनना चाहता है पार्टनर एलएलपी में, बनने दोगे? हाँ दे दो यार, क्या है? तुम सोचो एनआरआई बोल रहे, एनआरआई का मतलब समझते हो क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं पूछा, नॉन रेसिडेंट इंडियन। एनआरआई का नहीं, एनआरआई का मतलब क्या होता है सुनो, ऐसा इंसान जो इंडिया में सिटीजन तो था लेकिन अब इंडिया को छोड़कर बाहर चला गया है, इंडिया का रेसिडेंट नहीं रहा वो। सुना रहे, बोलते ना एनआरआई आया है इंडिया से वापस। अरे जो इंडिया में पला बड़ा है बट इंडिया छोड़कर बाहर चला गया जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, कनाडा में क्या कर रहा है? सुना रहे, तो उसको बोलते हैं एनआरआई, उसको क्या बोलते हैं एनआरआई। तो क्या एनआरआई भी पार्टनर बन सकता है क्या? हाँ। तो इंडिविजुअल पार्टनर में कौन कौन आएगा? जो इंडिया का है वो तो आएगा, रेसिडेंट इंडियन। रेसिडेंट इंडियन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, रेसिडेंट इन इंडिया आएगा क्या? हाँ। तुम लोग को कौन मना कर सकता है यार, समझ? तुम लोग तो आएगा ही, तुम लोग बोला अच्छा ठीक है यार आने दो, एनआरआई को आने देना चाहते हो? एनआरआई भी अलाउड है, और कौन अलाउड है बताओ? ओसीआई, ओवरसीज कॉरपोरेट, क्या सिटीजंस ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया, ओवरसीज कॉरपोरेट नहीं, ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया। बोलो मेरे संग क्या? ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया। तुमको पता है ये जो ओसीआई होते हैं ना, दे आर एक्चुअली पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, तुम अब जो है ना इंडिया में नहीं रहते हो, तुम बाहर ही रहते हो, या जब पार्टीशन हुआ था ना तुम छोड़ के चले गए बाहर, लेकिन तुम्हारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तुम्हारी जो पुश्तैनी है वो इंडिया में ही रही है, तो तुम्हारा कुछ तो इंडिया से कनेक्ट है ना यार, तुम समझो। तुम्हारे जो एंसेस्टर है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तुम्हारे एंसेस्टर वो सब कहाँ? इंडिया में ही है, लेकिन तुम कहाँ चले गए? बाहर। तुम कहाँ चले गए? बाहर। तुम कहाँ चले गए? बाहर। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं ओसीआई। सुना रहे, बोलो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब गवर्नमेंट क्या करता है ना, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ऋषि सुनक, सुना रहे, ऋषि सुनक वो तो बाहर में ही है, बाहर का ही है, देखने में बाहर का ही लगता है, लेकिन उसका दादा परदादा उन लोग तो हिंदुस्तानी है ना, ससुर भी उसका हिंदुस्तानी है ना, तो उसका प्रॉपर्टी वगैरह किसको देगा? उसी को देगा। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है, सुनो एक सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि अब तुम लोग को ना, हम लोग एक ओसीआई कार्ड दे दे रहे, तुम लोग को तो वहां का सिटीजनशिप है ही, तो इंडिया का तुम लोग को हम क्या दे रहे हैं? ओसीआई कार्ड, कि कल को तुम इंडिया में आए प्रॉपर्टी वगैरह बेचने तो तुम्हारे पास ये ओसीआई कार्ड रहेगा। तो ओसीआई कार्ड किसको मिल रहा है? पीओआईस को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उनका ओरिजिन क्या है? हिंदुस्तानी, लेकिन रह कहां रहे हैं? बाहर। जन्म भी हो सकता है बाहरी हुआ है, लेकिन इंडिया से वो क्यों जुड़े हुए? उनके पुश्तैनी प्रॉपर्टी की वजह से, या तो पार्टीशन के टाइम हुआ होगा, कुछ लोग यहां से छोड़ के चले गए बट पूर्वज तो यही थे, उनके प्रॉपर्टी तो यही थे, तो गवर्नमेंट उसको क्या दे रहा है? ओसीआई कार्ड, ताकि कल को प्रॉपर्टी वगैरह सेटल करने आए, बेचना चाहे, तो किसकी मदद से कर सकते? ओसीआई कार्ड। बट एनआरआई कौन हो गया? जो इंडिया में ही था बट इंडिया छोड़कर अब क्या हो गया? बाहर चला गया, बाहर रहने लग गया। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एनआरआई। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एनआरआई। दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया बट दे आर नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। वो लोग बाहर चले गए, बाहर रहने लग गए, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। समझ में आ रहा है? ऑल्सो इट इंक्लूड्स फॉरेन नेशनल। फॉरेन नेशनल तो पूरा ही फॉरेनर, फॉरेन नेशनल समझ गए कौन हो गया? पूरा ही फिरंगी, ठीक है, फॉरेन नेशनल। तो ये तीनों भी क्या इंडिविजुअल में आएगा क्या बताओ ना? हम लोग क्या डिस्कस करें? पार्टनर कौन बन सकता है? पार्टनर इंडिविजुअल बन सकता है। इंडिविजुअल में ये तीन को बनने नहीं देंगे, पगला को बनने नहीं देंगे, खाली हाथ आए जो डांस करता है उसको बनने नहीं देंगे, या जो अप्लाई कर रखा है डांस करने के लिए उसको भी बनने नहीं देंगे। Who is an undischarged insolvent who has applied to be adjudged as an insolvent provided that the application is pending. लेकिन इंडिविजुअल शैल इंक्लूड रेसिडेंट हो, चाहे एनआरआई हो, चाहे ओसीआई हो, चाहे फॉरेन नेशनल हो। और ये तीनों, ये दोनों को ही पता है क्या बोलते हैं हम लोग? पीआरओआई बोलते हैं। पीआरओआई का क्लासिफिकेशन है, क्या बताओ? पीआरओआई का क्लासिफिकेशन। तुम लोग फेमा वगैरह पढ़ रखा है मेरे से, तो तुम लोग को ऐसा पता होना चाहिए, और थोड़ा डीप में जाकर बता दिए, इतना डीप में है नहीं और डीप में गए हैं, डाइव किए हैं। सुन मेरा, कितना जन फेमा पढ़े हो मेरे संग? वेरी गुड, जो नहीं पढ़े हो पढ़ लेना, ठीक है। चलो, कभी ना कभी तो पढ़ोगे ना। चलो, यहां तक कोई डाउट है? अब हम लोग बात करें किसका? बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है? क्या बॉडी कॉर्पोरेट में ऐसा कंपनी आएगा जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है? ऐसा एलएलपी आएगा जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है? इन इंडिया का तो समझ में आ गया, तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर सबको ही आएगा। बताओ कैसा लगा डेफिनेशन? क्लियर है पार्टनर का?
अब बताओ सेक्शन सिक्स किसका बात कर रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। सेक्शन सिक्स किसका बात कर रहा है बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर दो, इसलिए दो लिख दिए थे। ऐसे कंफ्यूज नहीं होते तुम, ये मत समझो सेक्शन सिक्स है बट दो क्यों लिखे बताओ। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना है, दो। कितना पार्टनर है, यानी कम से कम कितना पार्टनर होना जरूरी है, दो। तुमको मैं डीपी के बारे में भी यहीं पे बता देती हूँ, अलग से हम लोग सेक्शन सेवन में भी पढ़ेंगे। पार्टनर भी दो होना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर भी दो होना चाहिए, बट जो डेजिग्नेटेड पार्टनर दो तो है ना, उसमें से वो दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होना चाहिए एंड वन ऑफ देम शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। समझे कुछ, डीपी इंडिविजुअल होना चाहिए। यार एक बात बताओ, फर्म का काम कौन संभाल रहा है, डीपी, तो उसको तो इंडिविजुअल होना ही पड़ेगा ना, एंड आउट ऑफ देम वन ऑफ देम शुड बी क्या, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पार्टनर कुछ भी हो सकता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, दो ठो पार्टनर है उसी को डीपी बना सकते हैं क्या? हाँ, मान लो ए एल एल पी, ठीक है, इसमें दो ठो पार्टनर है, कितना पार्टनर है मेरे को बताओ, सुनना कौन कौन है। देयर आर टू पार्टनर्स, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ये जो मिस्टर बी है ना, ये फॉरेन नेशनल है। अब आप मुझे बताओ क्या सेटिस्फाई कर रहे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का रिक्वायरमेंट को, दो होना चाहिए, और पार्टनर में इंडिविजुअल में एनआरआई भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, फॉरेन नेशनल भी हो सकता है, चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा डीपी के लिस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है डीपी, मेरे बताओ क्या बोला था डीपी के लिए, वेरी गुड, एक रेसिडेंट इंडिया होना जरूरी है, तो एक तो रेसिडेंट इन इंडिया है ही, एक तो रेसिडेंट इन इंडिया। मजे के बाद सुनोगे, या रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु स्टेज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर, 120 डेज। कुछ बच्चे जो फेमा पढ़ रखे वो पगला रहे हैं, तो वहां तो कुछ और लिमिट आपने बोला था, क्या बोला था बताओ, ठीक से बोलो, क्या बोला था, एक्सीडिंग 182, मोर देन 182 था वहां पे, वो फेमा एक्ट का प्रोविजन है। ये किसका प्रोविजन पड़ा, एलएलपी एक्ट का। और तुम लोग को याद है जब कंपनीज एक्ट में भी हम रेसिडेंट का मतलब बताए थे, वहां पे भी हम कितना बोले थे, 120 ही बोले थे। तो सब क्या खिचड़ी पका दोगे, अलग अलग जगह सब अलग अलग है ना। और तभी तो मैंने सिर्फ रेसिडेंट रेसिडेंट बोला, पीआरआई तो एक बार भी नहीं बोला मेरे से। सुनो पीआरआई, पीआरआई कहाँ पे डिफाइंड है फेमा एक्ट के अंदर, या हम क्या बोल, रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया का कंडीशन बताओ कितना, क्या हुआ, एनर्जी लॉकडाउन क्यों हो गया, खत्म, बोलो ठीक से बोलो, क्या 120 डेज, क्या 120 डेज, 120 डेज के बाद तुम्हारा हैप्पी बर्थडे टू यू आ रहा है क्या, तो क्या 120 डेज, ठीक से बोलो। एक ऐसा इंसान जो इंडिया में 120 डेज रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर, या प्रेसिडिंग वगैरह भी कुछ नहीं बोला है, बट तुम याद करो जब तुम पीआरआई का डेफिनेशन फेमा में किए थे, कहां पे देखते थे, इन द, याद आ रहा है, जिन लोग फेमा पढ़ रखे हैं, जिन लोग नहीं पढ़े उसका कोई डर ही नहीं है, उन लोगों को तो एक ही लिमिट पता है 120, जब वहां पड़ेगा तब तुम लोग पूछेगा मेरे से, वहां तो 120 बोल रहे थे, अभी 182 क्यों चालू कर दिए, तब हम वहां पे फिर से समझा देंगे। जिन लोग पहली पहली बार 120 सुन रहे, उन लोगों को तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं, क्लियर है यहां तक, तुम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, हाँ चलो। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहे, ध्यान से सुनना, ए एल एल पी तीन ठो पार्टनर लोग हैं, मिस्टर एक्स, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, दे आर द थ्री पार्टनर। अभी आप मुझे बताओ क्या मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर का रिक्वायरमेंट, आर दे सेटिस्फाइंग एज पर सेक्शन सिक्स? क्या बोला था, पार्टनर दो होना चाहिए, यहाँ तो तीन है, और दो में कुछ इंडिविजुअल वगैरह वाला बात तो बोला नहीं था, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड क्या बॉडी कॉर्पोरेट है, और मिस्टर एक्स कौन इंडिविजुअल। अब मुझे आप बताओ इसमें से डीपी किसको बना सकते हो, एक ही तो बनाओगे डीपी, मिस्टर एक्स को तुमने बना दिया, और किसको चूज करोगे, किसी को भी चूज कर लोगे, डीपी क्या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, सुनो फिर पता है, ए लिमिटेड या फिर बी लिमिटेड अपना एक नॉमिनी मेंबर अपॉइंट करेगा, ये तो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, आर्टिफिशियल पर्सन, ये आर्टिफिशियल पर्सन जो है उसके क्या फीलिंग्स होने लग गया क्या, बॉडी कॉर्पोरेट इज क्या, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट, क्रिएटेड बाय लॉ, समझ में आ रहे, क्या वो शादी कर सकता है, क्या वो नेचुरल प्रोसेस से क्रिएट हुआ है, इज इट अ नेचुरल पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन, समझ में आ रहे, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, उसके इमोशंस हैं, क्या प्रैक्टिस कर सकता है वो, क्या उसको जेल भेज सकते हो, समझ में, तो ऑब्वियस बात है इसमें डीपी को तो तुम यहाँ जेल वगैरह भेजोगे नॉन कंप्लायंसेस के लिए, तो यहाँ पे तुम ए लिमिटेड को तो जेल नहीं भेज सकते, उससे वाउ नहीं दिलवा सकते, उसका शादी नहीं करवा सकते, तो इसका क्या पॉइंट करना पड़ेगा, एक नॉमिनी मेंबर।
तो अगर ऐसा है तो ए लिमिटेड या बी लिमिटेड का एक तो नॉमिनी मेंबर बनेगा डीपी। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, ए एल एल पी, ए लिमिटेड बी लिमिटेड दो ठो पार्टनर है इसमें, दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट है, चल सकता है हाँ, लेकिन जब डीपी है तो दोनों का कौन आएगा, नॉमिनी मेंबर, और जिसमें से एक नॉमिनी मेंबर कौन होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया। ये सब आएगा, केस स्टडीज कर लोगे मैनेज, पूरा क्लियर है? चलो एक बार पूरा बर्ड आई व्यू दिखाते हैं, मजा आएगा। चलो सेक्शन फाइव हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, बोलो जल्दी से, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट लिसन टू मी एंड लुक हियर। पार्टनर डिफाइंड अंडर सेक्शन, सेक्शन फाइव, पार्टनर कौन बन सकता है बोलो तो, इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, कोई दिक्कत? ऐसा इंडिविजुअल जो पार्टनर नहीं बन सकता कौन, समझ गए? सम थिंग्स आर कॉन्फिडेंशियल, यू नीड नॉट स्पीक एवरीथिंग आउट ऑफ योर माउथ, ओके? इतना भी हम ओपन होने नहीं बोले तुम लोग को। चलो तुमको कान में बताया क्या कि उसको जोर से कि धीरे से, इधर आओ ध्यान दो इधर, एलएलपी पढ़ क्या अचानक से, हमको लगा कुछ क्वेश्चन पूछेगा इंटरेस्टिंग। मे आई गो टू वॉशरूम, मतलब पूरा ही आज नर्सरी वाला फीलिंग ले आए हो क्लास में। देखो इधर, अनसॉल्व माइंड, अनडिस्चार्ज, इनसॉल्वेंट या फिर क्या बोला, अप्लाइड फॉर इनसॉल्वेंसी एंड एप्लीकेशन इज क्या, पेंडिंग। क्या फॉलोइंग पर्सन कैन बिकम द पार्टनर इन एलएलपी, इंडिविजुअल हो सकता है, इंक्लूडिंग क्या बोला, ऐसा इंडिविजुअल जो एनआरआई है या ओसीआई है या फिर फॉरेन नेशनल, एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट, कंपनीज इंक्लूडिंग कौन सा, फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी, एलएलपी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी। कोई एक बात मेरे को बताएगा, फॉरेन कंपनी जब यहां लिख दिया फिर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया क्यों लिखा, क्योंकि जरूरी नहीं है वो फॉरेन कंपनी हो, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होगा तब तो फॉरेन कंपनी होगा, जो सुन रहा है वो समझ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्वियस बात है, कॉर्पोरेशन, सोल कॉर्पोरेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टनर नहीं बन सकता, क्लियर है। पीआरओआई सुनना ध्यान से, ऐसा पीआरओआई जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है एलएलपी में, कौन सा पीआरओआई, मैंने दो ठो बोला, एक एनआरआई होता और एक क्या ओसीआई, बोला ना ओसीआई का फुल फॉर्म ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एनआरआई समझ गए तो क्या, एनआरआई का मतलब क्या बोला, इंडिया का सिटीजन तो है बट रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, बाहर चला गया है, लेकिन अदर देन कहां गए, पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर, और ओसीआई मतलब कौन हो गया, पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब सुनना ध्यान से, दो चीज है इसमें, अगर इन लोग एलएलपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोग अलाउ कर रहे हैं ना, पार्टनर कैसे बनेगा, फ्री में बनेगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह करेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर इन लोग, बहुत गहराई है ध्यान से सुनना, मजाक मस्ती छोड़ो, अगर रिपैट्रिएशन बेसिस में अगर इन लोग इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन लोग को फेमा का एक्ट और एफडीआई का एक्ट का कंप्लायंसेस करना पड़ेगा, और अगर नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस में करेगा तब इन लोग को एफडीआई रूल्स वगैरह फॉलो करने का दरकार नहीं। अब इसका मतलब समझो, रिपैट्रिएशन और नॉन रिपैट्रिएशन क्या होता है, घुसकर पढ़ाएं कि छोड़ दे, बताएं, सुनना चाहोगे, सुनना, रिपैट्रिएशन और नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने तुमको बोला पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया, उसको ओसीआई कार्ड दे रखा है गवर्नमेंट, अब उसका कोई मान लो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है इंडिया में, तो वो क्या बोल रहा है कि जो मेरा एंसेस्टर प्रॉपर्टी है ना, इससे बेचकर जो रुपया आएगा ना, ये हम बाहर नहीं ले जाएंगे, हम इंग्लैंड या यूएस यूके जहां के भी हम सिटीजन है वहां पे नहीं ले जाएंगे, बल्कि इंडिया में क्या करेंगे ना, अपना एक एनआरओ अकाउंट खोलेंगे और यहीं पे जमा रखेंगे, मतलब जो यहां से हम लोग इन्वेस्टमेंट से रुपया कमा रहे हैं वो यहीं रखेंगे, आपके ही अकाउंट में रखेंगे, हम इसको बाहर लेकर नहीं जा रहे, और उसी रुपया से जो हम यहां पे रखे उसी रुपया से हम एलएलपी में क्या कर दिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो इंडिया का ही रुपया इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, तब इन दैट केस तुमको एफडीआई रूल्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, और यहां पे हम अलग से मेरे एक अकाउंट खुलवा दो एनआरओ अकाउंट, वहां पे हम ये रुपया रखेंगे, समझ में आ रहे? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बताओ, नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस, क्या बोलते हैं इसको बताओ, नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस, मतलब हम लोगों ने जो प्रोसीड्स कमाए इन्वेस्टमेंट से, क्या हम लोगों ने उसको अपने कंट्री में, फॉरेन कंट्री में रिपैट्रिएट किया, वो तो यहां से कमाया यहीं छोड़ा है, तो यहीं का रुपया यहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब किस बात का एफडीआई रूल लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, तब ओनली एलएलपी एक्ट शैल अप्लाई। लेकिन अगर मान लो हम बाहर से लेकर आ रहे रुपया, तो एफडीआई हो गया ना एक तरह का, मतलब ये रुपया कहां से है, बाहर से ही, हम कौन है, यूएस नेशनल, हम यूएस में पले बढ़े, हम यूएस के हैं पूरा, और वो रुपया वहां से जो कमाए यहां पे एलएलपी में लगा रहे, तब तो एक टाइप का इन्फ्लो, फॉरेन कैपिटल इन्फ्लो हो गया इंडिया में,
तब इसके ऊपर एफडीआई रूल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपैट्रिएशन बेसिस, क्योंकि बाहर का प्रॉफिट मैंने यहाँ रिपैट्रिएट किया या यहाँ से जो मैंने कमाया बाहर रिपैट्रिएट किया, तब इन दैट केस बताओ एफडीआई का कंप्लायंस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और एलएलपी का भी कंप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही का रुपया यहीं पे लगा दिए, भले ही हम फॉरेनर है, तब इन दैट केस एलएलपी तो लगेगा बट एफडीआई, समझ गए? ये लेकिन खाली किसके लिए बोला, रेसिडेंट इन इंडिया के लिए तो बोलेगा ही नहीं, वो तो फिर इंडिया का ही है। ये पीआरओआई के लिए बोला ना, और पीआरओआई कितना तरीका होता है, दो तरीके का, एक बोला एनआरआई और एक ओसीआई, और ओसीआई कौन हो गया, पीओआई है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बताओ यहां तक पूरा क्लियर है क्या? फिर बताओ मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर पढ़ाया मैंने, मिनिमम कितना पार्टनर चाहिए? तुमने मैक्सिमम नहीं पूछा, अनलिमिटेड, जितना चाहो बुला लो, जितना चाहो बुला लो, तभी मैंने बताया नहीं। मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना, क्लियर है? सुनो अब, कोई भी टाइम मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर दो होना चाहिए। क्या हुआ ना, दो ही पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, चला गया, छोड़ के तुमको चला गया। अब एलएलपी में कितने पार्टनर रह गए हैं, 6 महीने से ज्यादा हो गया, दूसरा पार्टनर रखा नहीं है, धंधा किए जा रहा है, तो इन दैट केस तुमको समझ में आ रहा है, अभी तक लायबिलिटी हम लोग बोल रहे थे पार्टनर का लिमिटेड है, बट वो पार्टनर जो 6 महीने के बाद भी धंधा किए जा रहा है, ये जानने के बाद भी कि दो पार्टनर का लिमिट को हम लोग ब्रीच कर रहे, ही शैल बिकम पर्सनली लायबल। समझ में आ रहे हैं? ये तुम लोग कंपनी एक्ट में भी पढ़ा था, स्टैट्यूटरी लिमिट के दो के नीचे अगर रिड्यूस हो जाएगा तो जो रिमेनिंग डायरेक्टर है वो कंटिन्यू कर रहा है, दे शैल बिकम पर्सनली लायबल, वही सेम चीज है, ठीक है? तो देखो सेक्शन 6 में क्या लिखा है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर बोलो कितना है, 2, इफ एट एनी टाइम रिड्यूस बिलो 2, और उसके बाद भी तुम क्या कर रहे हो, 6 महीने से ज्यादा बिजनेस कैरी कर रहे हो, देन द ओनली पार्टनर हु कैरीज आउट द बिजनेस, एक ही तो बचा है क्या, शैल बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल द बिजनेसेस ऑफ द एलएल। कोई दिक्कत यहां तक? सेक्शन 7 किसका है, डीपी, डीपी, डीपी का फुल फॉर्म, डेजिग्नेटेड पार्टनर कितना चाहिए, दो, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिया, और दोनों ही इंडिविजुअल होना चाहिए क्या? देखो मिनिमम कितना डीपी, हु इज ए इंडिविजुअल, एटलीस्ट वन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, कोई दिक्कत? लेकिन मैम पता है हम लोग का जो एलएलपी है ना उसमें कोई इंडिविजुअल है ही नहीं, दोनों के दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट है। इफ द पार्टनर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट देन नॉमिनेटेड इंडिविजुअल शैल बी द डीपी, देन द नॉमिनेटेड इंडिविजुअल शैल बी द डीपी। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? एब्सोल्युटली क्लियर? चलो लिख लो यहां तक, मजा आया पढ़कर, राइट डाउन क्विकली। सुनो एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, याद है, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, बोला था ना, जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी मर भी जाएगा चाहो तो। और क्या पार्टनर का लिमिटेड लायबिलिटी है क्या, हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी है क्या, हाँ, बोला था। और एग्रीमेंट रहता है, हाँ, तो यही तो एडवांटेजेस हो गया। लिख लो एडवांटेजेस, लिख लो फिर पार्टनर लिख लेना, सेक्शन 5, 6, 7। थैंक यू सो मच प्रेरणा, अमेजिंग लेक्चर गोइंग ऑन, थैंक यू। लिख लो, तुमको हम सच बता रहे हैं, तुमको ये सब नोट्स का इंपॉर्टेंस एग्जाम के एक दिन पहले समझ में आएगा, जहां बाकी बच्चे एक बार भी रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तुम 2-3 बार करके उछलोगे, डांस कर रहे होगे। तुमको नहीं लग रहा कितना कॉन्साइज खूबसूरत नोट्स बन गया है? और ऐसा खाली एलएलपी के लिए बनाया है कि जितना चैप्टर सबके लिए बनाया आपने? एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है मैंने, देख लो तुम इंस्टीट्यूट का मैट लेकर बैठो साथ में, पूरा पोस्टमार्टम एनालिसिस करो, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है, और क्वेश्चन आंसर भी सारा। एडवांटेजेस लिखो जल्दी से, ओके। फोन भी अब सोच रहे नया ले ले, नहीं हम सोच रहे थे हम तुम लोग से गिफ्ट मांगे, कवर तो मेरे को गिफ्ट की थी एक तो बच्ची, वो देखो बैठी हुई है, फोन भी गिफ्ट कर दो। अरे यू आर ब्लॉकिंग देयर पाथ,
लिख लिया एडवांटेजेस, चलो पार्टनर लिखो पार्टनर। अरे शांति यार, तुम लोग इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है? पहला दिन जैसा आया था और अभी जैसा जा रहा है, बाप रे। ए जल्दी लिखो जल्दी। शांति 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 शांति, कोई है क्या शांति? लिखो, इज इट डन? एडवांटेज इज डन गाइस। लिखो पार्टनर का डेफिनेशन। आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप। प्लीज लिखो गाइस, डू नॉट टॉक प्लीज। हो गया एवरीवन? क्या बात है, तुम्हारा आज हो गया? यू आर एन अमेजिंग पर्सन मैम, आई जस्ट क्राइड बिफोर द सेशन, बट आपके लेक्चर में बैठते ही सब सही हो गया। आई फॉरगॉट ऑल माई प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। अरे तुम लोग को बोले ना यार, प्लीज रोया मत करो, बस जितना टेंशन है तुम्हारे लाइफ का मेरे को दे दो, बस रोया मत करो। आई जस्ट के नॉट टेक इट, ठीक है? हो गया क्या यहां तक? कुछ बच्चे उतावले हो रखे, रिविजन कब होगा? मैं बता दू, कमिंग वीक से स्टार्ट हो रहा है धमाकेदार लॉ का दरबार, समझ रहे? लॉ का दरबार लगेगा कमिंग वीक से, तो प्लीज अटेंड कर लेना। इट विल बी अ गेम चेंजर सेशन फॉर दोज हु आर हैविंग देयर एग्जाम्स, डू नॉट मिस इट एट एनी कॉस्ट। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो लॉ का दरबार वाला सेशन मिस मत करना, आग उगलने वाला सेशन होने वाला है। इतना जबरदस्त तैयारी किए हैं तुम लोग के लिए, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब एक एक चैप्टर वाइज पहले रिवाइज कराएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे चैप्टर वाइज। अलग ही लेवल पे जाने वाले हो, मिस करोगे क्या? थैंक यू। चलो लिखो, फॉलोइंग पर्सन कैन बिकम पार्टनर इन एलएलपी। बोलो तो, इंडिविजुअल में इंक्लूडिंग लिखा, आई एन सी एल दिख रहा है, दैट इज इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग कौन कौन? एनआरआई, ओसीआई, फॉरेन नेशनल। इफ एनीवन वांट्स टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ ओसीआई, क्या लिखोगे बताओ तो? वेरी गुड, ओवरसी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया। और इधर कंपनीज इंक्लूडिंग क्या? फॉरेन कंपनी, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी। बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है क्या एलएलपी का पार्टनर? तुम याद है बॉडी कॉर्पोरेट में यही सब तो था, एलएलपी, कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, यही तो था। तो इन शॉर्ट तुम ये भी तो लिख सकते हो, जैसे अलग अलग जो तोड़ तोड़ के लिखा है, पूरा बॉडी कॉर्पोरेट को तो लिखा है इंडिविजुअल को छोड़कर। कॉर्पोरेशन सोल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के नॉट बिकम पार्टनर। किसी ने मुझसे पूछा नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आप चलो सुने होगे, सोल कॉर्पोरेशन क्या होता है यू नो दैट? किसी ने पूछा भी नहीं। हाँ, अ काइंड ऑफ दैट ओनली,
जहां पे जैसे मेरा मतलब एक कॉर्पोरेशन में अपने नाम पे ही काम कर रही हूँ, दिव्या अग्रवाल, हाँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वेरी गुड, यानी जो बिजनेस मैं कैरी कर रही हूँ मेरे नाम पे ही कर रही हूँ, सो दैट्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी, देयर इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस, सेपरेट लीगल एंटिटी, सिमिलर सिमिलर, उसका फिर भी हम लोग एक नाम रख देते हैं कुछ भी, इसका तो कुछ भी नाम नहीं है, मेरा ही जो नाम है उसी पे काम कर रहे हैं, सोल कॉर्पोरेशन। ये वाला पॉइंट बहुत अमेजिंग है, पीआरओआई वाला, वो समझ गए तो, रिपैट्रिएशन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस में, अगर नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस है तब एफडीआई रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं, और रिपैट्रिएशन बेसिस है तो लगेगा, और एलएलपी एक्ट तो दोनों में लगेगा, क्योंकि उन लोग क्या बन रहा है एलएलपी में, पार्टनर बन रहा है ना, और कैपिटल लेकर आ रहा है ना। कहां तक लिखा, हो गया, नोट लिख लिया, वेरी गुड, मानसी क्लियर है सब, लिख लो, कॉर्पोरेशन सोल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट बिकम द पार्टनर। फिर क्या बोला था, पीआरओआई के अंदर दो जन आ रहे हैं, कौन कौन बताओ तो, एनआरआई और ओसीआई, उनके लिए ना ये रिपैट्रिएशन और नॉन रिपैट्रिएशन, अरे जो रेसिडेंट इन इंडिया उनके लिए सब थोड़ी है, हाँ वो दो बार लिखा है, क्योंकि कंपनीज में फॉरेन कंपनीज भी आ रहे हैं, और ऐसा कंपनी भी जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, ऊपर वाला लिख ली हो तो लिखो, अभी बात एकदम कम करो, पढ़ाई एकदम ज्यादा करो, समझ में आ रहा है, अपना एनर्जी को मजाक मस्ती में से निकाल कर पढ़ाई में चैनलाइज करो, ओके, नाउ इट्स हाई टाइम, अब आपको एकदम पढ़ाई पे फोकस करना है, बहुत हुआ मजाक मस्ती, पढ़ाई पे सीधा स्ट्रिक्टली फोकस करो, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, डन, नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस, ये सब लिख लियो, मिस्टर गोलचा, इट्स डन, वाई टू मच ऑफ टॉकिंग गोइंग ऑन, इज इट डन, सुनो ये लिखो जल्दी से, सेक्शन सिक्स, मिनिमम दो पार्टनर बोला, लेकिन अगर दो से नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा, जो अकेला इंसान हाँ काम कर रहे हो क्या होगा, पर्सनली लायबल, बट ऐसे बाकी पार्टनर पर्सनली लायबल होते हैं क्या, नहीं, टू द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई देम, क्योंकि यहाँ फेस वैल्यू ऑफ शेयर थोड़ी होगा, अनपेड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कंपनी थोड़ी है, लिखो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, सेक्शन सिक्स हेडिंग, मिनिमम टू पार्टनर, एनी टाइम रिड्यूस बिलो टू, उधर वाला लिख लिया मिनिमम टू पार्टनर, इसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, लिख लो, इफ बिजनेस कैरिड ऑन फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स देन द ओनली पार्टनर हु कैरीज आउट द बिजनेस आफ्टर दैट शैल बी पर्सनली लायबल, सेक्शन सेवन क्या बोलो तो, वेरी गुड, डीपी, डीपी इंडिविजुअल होगा क्या, कितना डीपी चाहिए, दो, जिसमें से एक
रेसिडेंट इन इंडिया, लेकिन मैम अगर सारे ही पार्टनर मेरा बॉडी कॉर्पोरेट है तब क्या करे? वेरी गुड, नॉमिनी अपॉइंट करो उनका एसटीपी। हो गया गाइस, इज इट डन? सेक्शन 7 में ना कुछ कुछ प्रोविजंस और है, मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, वो भी बताना है मुझे आज ही, बता दें फिर एक साथ लिख लेना। तुम जिसको भी डीपी बनाना चाहोगे ना, सपोज यू आर एन एलएलपी फर्म, तुम इसको डीपी बनाना चाह रहे हो, तो इससे पहले कंसेंट लो इन राइटिंग में कि रेडी है डीपी बनने के लिए। क्या लेना पड़ेगा बताओ? याद है जब डायरेक्टर बनाते हो तो उसे कंसेंट इन राइटिंग लेना पड़ता है डायरेक्टर लोग से, तो ऐसे डीपी बनाने के पहले उन लोग से क्या लो? कंसेंट इन राइटिंग। क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट इन राइटिंग, समझ में आ रहा है? और ये जो कंसेंट लिया है ना एलएलपी, ये कंसेंट किसको फाइल करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के संग 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहां से? जहां से कंसेंट लिया है। जितने भी पार्टनर डीपी बनने के लिए एग्री हुए उनसे एक रिटर्न कंसेंट लो, और वो एलएलपी रिटर्न कंसेंट कहां पे फाइल करेगा? आरओसी के संग। कितने डेज के अंदर फाइल करेगा? 30 डेज, 30 डेज ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट। कोई दिक्कत है यहां तक? फॉर्म नंबर 9 में बताओ कौन सा फॉर्म नंबर 9, एक बार पढ़ लेते हैं। कंडीशंस फॉर डीपी पढ़ो क्या लिखा है, लिखा रहना चाहिए उसमें कौन डीपी बनेगा, एग्रीमेंट होता है ना उसमें लिखा रहना चाहिए। कंसेंट का फॉर्म नंबर क्या बोला बताओ? फॉर्म 9। फिर उसके बाद आरओसी के संग फाइल करना है, किसका पर्टिकुलर? इंडिविजुअल का जिसे तुमने कंसेंट लिया है। कितना दिन के अंदर? 30 डेज। फिर क्या बोल रहा है? जैसे डायरेक्टर लोग डिन नंबर ऑब्टेन करता था ना, अगर तुमको डीपी बनना है ना, तुमको डी पिन नंबर लेना पड़ेगा। डी पिन, अब पीपी दो बार नहीं है, तुम समझो, जैसे वहां डी पिन बोलते थे ना, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? डी पिन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डी पिन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बिना डी पिन के आप डीपी बन सकते हो क्या? नहीं। किससे ऑब्टेन करोगे? सीजी। अब सुनो, जैसे डिन नंबर के लिए ना पूरा कंपनी का प्रोविजन अप्लाई होता था सेक्शन 153 से लेकर 159 तक। सेक्शन 153 से लेकर सेक्शन 159 पूरा डिन के बारे में बात करता है, कैसे डिन के लिए अप्लाई किया जाता है, कैसे डिन का अलॉटमेंट होता है। समझ रहे? एक डायरेक्टर के पास एक ही डिन रहेगा, उससे ज्यादा डिन नहीं हो सकता। तो पूरा का पूरा जो कंपनी एक्ट का प्रोविजन है ना, सेक्शन 153 ऑफ द कंपनी एक्ट से लेकर सेक्शन 159 ऑफ द कंपनी एक्ट शैल अप्लाई टू द प्रोसेस ऑफ क्या? अप्लाइंग फॉर डी पिन इन द सेम टू सेम मैनर। द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट शैल अप्लाई मुटैटिस मुटैंडिस, सुन मारे, एज नियरली एज पॉसिबल। मुटैटिस मुटैंडिस क्या ऑब्टेन करने के लिए? डिन की डीप पिन। डीप पिन का फुल फॉर्म डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कौन सा सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट? 153 से लेकर 159, जो क्या चीज के लिए होता था? डायरेक्टर का डिन के लिए होता था, वो सेम एलएलपी का डीपी का डीप पिन के लिए है। कोई दिक्कत है? और बात बाकी एलएलपी और डीपी को सच अदर कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा एज मे बी प्रेस्क्राइब। क्लियर है? तो देखो कंडीशन फॉर डीपी में क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और एलपी एग्रीमेंट होना चाहिए। कंसेंट फॉर्म नंबर किसमें? 9 में। आरओसी के संग फाइल करना है इंडिविजुअल का पूरा डिटेल, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर, जिन्होंने अपना कंसेंट दिया कहां पे? फॉर्म नंबर 9 में। ठीक है, फिर देखो सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 में क्या दिया हुआ है, एवरी एलएलपी एंड डीपी शैल सेटिस्फाई सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। और डीपी क्या ऑप्टेन करेगा बताओ? डी पिन नंबर ऑप्टेन करेगा किस? सीजी। और कौन सा प्रोविजन अप्लाई करेगा? 153 से लेकर पूरा का पूरा 159, जो किसका है। और तुम खुद सोचो यहाँ का कैसे होगा, यहाँ पे तो है ही कितना सेक्शन 81, तो ये किसका सेक्शन बोर्ड अप्लाई करेगा? कंपनी से। लिख लो ये पूरा, राइट डाउन सेक्शन 7 हेडिंग दो, वेरी इंटरेस्टिंग, डीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी इस पर्टिकुलर पार्ट से पार्टनर, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर डीपी से 100% एक केस स्टडी क्वेश्चन कैन यू एक्सपेक्ट और नॉट? ठीक है, लिख लो। सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, हु इज इंडिविजुअल, एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया। और अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो पूरा तुमको एलएलपी एक्ट का समझ में आ रहा है, बेयर एक्ट पढ़ा रहे हैं, एक एक सेक्शन को इतना पूरा डिटेल में पढ़ा रहे, पोस्टमार्टम एनालिसिस एक एक सेक्शन। हो गया, जल्दी लिखो।
हो जाए तो बता देना। हाँ आराम से लिखो, लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चे जूम कर दिए आपके लिए। सब लिखना है, कंडीशन पढ़ा तो दी है तो लिखोगे नहीं, हो गया क्या ऊपर का, तो लिखो कंडीशन। बट आई कैन एक्सपेक्ट आज जितना भी मैंने पढ़ाया आप घर जाके रिवाइज करोगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सुनो सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 जो है ना, वहां स्टार दिया हुआ दिख रहा है, और वो कहाँ लिखा हुआ है नीचे, सच अदर कंडीशन है ना, तो ये क्या है 7 5। जूम कर दे क्या, एक एक करके लिखोगे। क्लास में आज कुछ नया नया दिख रहा होगा, तुम लोग को अच्छा लग रहा होगा। मोटिवेशनल कोट्स देखो बहुत सारा लगा है हर जगह। फॉर्म 9 ये तो सेक्शन है, 7 सबसेक्शन 4 ये सब सेक्शन है। फॉर्म नंबर कितना है 9। कितना डेज में बोला, 30 डेज, 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट बोला। हाँ और डीपी को क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, और डीपी ऑब्टेन करने के लिए किसका प्रोविजन सप्लाई होगा, कंपनीज एक्ट का जो पूरा है दिन के लिए। वन फिफ्टी थ्री से कितना 159। ओके हाईलाइट कर लियो, 30 डेज डीपेन 153 से 159 सीजी, फ्रॉम सीजी। डीपेन नंबर के लिए किसको अप्लाई करोगे, हाँ और यहाँ सेक्शन 153 टू 159 ऑफ द कंपनीज एक्ट लिख लेना, नहीं तो कुछ बच्चे ये सोचेंगे अरे यार एलएलपी में तो 81 सेक्शन है, या 153 कहाँ से आ गया, 153 से 159 किसका है वो, कंपनीज एक्ट। तो इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन प्लीज राइट डाउन देयर प्रॉपरली, इनफैक्ट एग्जाम में भी आप तो पूरा ही लिखोगे 153 से 159 किसका सेक्शन है, कंपनीज एक्ट, तो ऐड कर लेना प्लीज ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बस एक टॉपिक और पढ़ाएंगे सेक्शन 8, 2 मिनट का है छोड़ देंगे उसके बाद। लाइबिलिटी ऑफ द डीपी
बोलो क्या है, लायबिलिटी ऑफ द डीपी। डीपी को क्या क्या काम करना पड़ेगा, डीपी तो सब कुछ कर रहा है, जितना भी फॉर्म्स वगैरह फाइल करना है, रिटर्न फाइल करना है, एनुअल रिटर्न वगैरह होता है ना, अकाउंट्स डॉक्यूमेंट आरओसी के संग, रजिस्ट्रार के संग, रजिस्ट्रार बोलोगे, रजिस्ट्रार नॉट आरओसी, रजिस्ट्रार कौन फाइल करेगा, डीपी। अच्छा कोई भी कॉन्ट्रवेंशन हुआ है तो याद है वहां पे हम लोग ओआईडी ओआईडी चिल्लाते थे, डायरेक्टर को ले जाओ जेल पे, तो यहाँ पे एलएलपी में किसको जेल में ले जाएंगे, एलएलपी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, डीपी। तो डीपी शैल बी लायबल क्या फॉर एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एलएलपी एक्ट, यस। और क्या डीपी शैल बी लायबल क्या फॉर द फाइलिंग ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार, यस। तो ये कौन सा सेक्शन हो गया, सेक्शन नंबर 8, 7 के बाद क्या आता है, 8, 5, 6, 7, 8। 5 में क्या पढ़ा, पार्टनर, पार्टनर कौन हो सकता है, इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल ऐसा इंडिविजुअल जो अनसाउंड माइंड का है, हु इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, हु हैज अप्लाइड टू बी एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट, एप्लीकेशन इज पेंडिंग, ऐसा इंसान पार्टनर नहीं हो सकता। बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है पार्टनर, बॉडी कॉर्पोरेट में और क्या क्या बोला, कौन कौन आ सकता है, कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेट आउट फॉरेन एलएलपी या फिर फॉरेन कंपनी, और इंडिविजुअल के अंदर रेसिडेंट तो आएगा ही, एनआरआई भी आएगा, ओसीआई भी आएगा, फॉरेन नेशनल भी आएगा, वेरी गुड। लेकिन सोल कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेरी गुड। फिर सेक्शन नंबर कौन सा पड़ा, 7। अच्छा सेक्शन 6 क्या था, 6 क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम कितना, मैक्सिमम, वेरी गुड। अच्छा जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर बोला है, मान लो गलती से ऐसा कुछ हो गया, 2 से नीचे गिर गया, तब क्या करे, 6 मंथ्स अलाउड है, 6 मंथ्स के बाद भी अगर वो अकेला पार्टनर एलएलपी फॉर्म कैरी कर रहा है, ही शैल बिकम पर्सनली लायबल, वेरी गुड। सेक्शन 7 क्या पड़ा, डीपी, डीपी कौन हो सकता है, इंडिविजुअल, कितना डीपी चाहिए कम से कम, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया, एक डीपी शैल बी व्हाट, रेसिडेंट इन इंडिया, और रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या बोला, हु हैज स्टेड इन इंडिया Not less than 120 days, यानी at least 120 days in India during the year. समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई भी दिक्कत है? फिर एक चीज और बोला कि अगर मान लो कोई PROI, which includes क्या, NRI या फिर OCI, अगर non repatriation basis पे LLP में investment कर रहा है, capital contribute कर रहा है, non repatriation basis में, तब उसके ऊपर खाली क्या apply होगा, LLP है। लेकिन अगर repatriation basis पे कर रहा है तो FDI रूल, फेमा एक्ट सब कुछ लगेगा, LLP एक्ट तो लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा ये रट्टा मारो कि समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है, रिपेट्रिएशन नॉन रिपेट्रिएशन समझ में आता है ना, वेरी गुड। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जितना भी आदमी डीपी बनने के लिए रेडी है उससे क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट, और वो कंसेंट लेने के बाद उसका पर्टिकुलर ऑफ द इंडिविजुअल फाइल करना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, हाँ फॉर्म नंबर 9। और डीपी इनके लिए अप्लाई करना पड़ेगा क्या, सारे पार्टनर को कि खाली डीपी को, डीपी को, और उसके लिए कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, सेक्शन 153 ऑफ द कंपनीज एक्ट से लेकर सेक्शन 159 ऑफ द कंपनीज है, वेरी गुड। डीपी का लायबिलिटी मैंने तुमको पढ़ा दिया है, सेक्शन 8 बोलो क्या लायबिलिटी है, जितना भी फॉर्म वगैरह फाइल करना है किसका जिम्मेदारी है, डीपी, और कोई भी कॉन्ट्रवेंशन होगा, हु शैल बी हेल्ड लायबल, डीपी। देखो क्या लिखा हो, लायबिलिटी ऑफ द डीपी में एक बार पढ़ लो, रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द एक्ट्स मैटर्स एंड थिंग एज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एलएलपी। अरे एलएलपी का हाथ पैर थोड़ी है, तो एलएलपी के बिहाफ में कौन करेगा, डीपी, इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्या कंप्लायंसेस ऑफ द क्या प्रोविजन ऑफ दैट सच एज क्या फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट रिटर्न स्टेटमेंट एटसेट्रा एंड लायबल फॉर क्या ऑल द पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन द एलएलपी फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। लिख लो लास्ट सेक्शन फॉर द डे, सेक्शन 8। Liabilities of the DP. Please write down, do not talk.
responsible for doing all acts, matters and things as required to be done by the LLP in respect of compliance of the provision of the act, such as filing of the document, return statement, etc. Liable for all the penalties imposed on the LLP है वो, हाँ R तो नहीं दिख रहा तुमको, LLP है, is it done? दो तो खाली तुम लोग को एग्जाम्पल दिखाना चाहेंगे, वो हम शेयर कर देंगे टीजी में, वो लिखना नहीं है। क्वेश्चन बोले इतना क्वेश्चन आंसर्स, आज जितना भी टॉपिक पढ़ा है उससे दो तीन तो क्वेश्चन करवा दे क्या उससे रिलेटेड, तुम लोग को मस्त मजा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, ठीक है? तो प्लीज अगर तक अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, दिव्या अग्रवाल मैम, ठीक है? AIR 3, ठीक है, AIR 3 वहीं पे शेयर करेंगे आज। हाँ, यहाँ तक हो गया एवरीवन? चलो अभी एक दो क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इसका आंसर दोगे मेरे को। चलो रीड द क्वेश्चन गाइस, कम ऑन, फोकस हियर, एवरीवन रेडी, क्लोज योर कॉपी। चलो, इफ अ LLP हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15th of October 2022, ये सेम मैंने एग्जांपल आपको कराया अभी, अगर ध्यान दिया होगा, फाइनेंशियल ईयर उसका क्या होगा बताओ तो, 2023 से 2024, तो 15 अक्टूबर 2022 से लेकर कहां तक, 31st of March 2024। बढ़िया था, मैंने बोला था मे, मैंडेटरी नहीं है, ये चाहे तो क्या कर सकता है बताओ, कहां से कहां तक ले सकता है, 15 अक्टूबर से लेकर, हाँ यानी लेस देन 12 मंथ्स कर सकता है क्या, लेकिन 18 मंथ से ज्यादा नहीं कर सकता, बोला था क्या ये सब, इसका आंसर क्लियर है। चलो नेक्स्ट पढ़ो, एग्जाम्पल टू पढ़ो, द प्रोफेशनल्स लाइक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल आर अफ्रेड ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस ड्यू टू अनलिमिटेड लायबिलिटी, सजेस्ट करो क्या करोगे, हाँ तो इन लोगों को क्या बोलोगे बनाने, LL, कोई दिक्कत है, ये क्वेश्चन आएगा और बोलेगा सजेस्ट करो, तो क्या सजेस्ट कर देना, LLP, फिर LLP के एडवांटेजेस लिखना चालू कर देना, फीचर्स लिखना चालू कर देना। चलो अभी वाला क्वेश्चन पढ़ो, LLP हैज 3 पार्टनर, 1 इंडिविजुअल मिस्टर एक्स एंड 2 बॉडी कॉर्पोरेट XYZ लिमिटेड और ABC लिमिटेड। अब मेरे को एक बात बताओ, डीपी के लिए क्या करोगे, डीपी के लिए एक तो एक्स को बना दोगे XYZ या फिर ABC लिमिटेड का एक तो क्या लेना पड़ेगा तुमको, नॉमिनी। तो देखो इन दिस केस आंसर मिस्टर एक्स एंड 1 नॉमिनी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी द डीपी, कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, LLP का एक नाम है SMY LLP, हैज 3 पार्टनर, तीनों ही बॉडी कॉर्पोरेट है, SI लिमिटेड, MIS लिमिटेड, YI प्राइवेट लिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा क्या, लेकिन डीपी तो इंडिविजुअल होना चाहिए, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट का क्या ले लोगे, नॉमिनी, एज देयर इज नो इंडिविजुअल एज पार्टनर इन LLP, नॉमिनीज ऑफ एनी टू सेड बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी द डीपी, कोई दिक्कत। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एग्जाम्पल 5 पढ़ो, देयर इज अ LLP बाई द नेम इंडियन हेलीकॉप्टर LLP, वाओ नहीं करो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, हैविंग 5 पार्टनर, कितना पार्टनर है बताओ, मिस्टर ए नॉन रेसिडेंट, मिस्टर ए कौन है, मिस्टर बी भी कौन है, मिस्टर सी कौन है, मिस्टर डी कौन है, मिस्टर ई कौन है, अब मेरे को बताओ इसमें से डीपी के लिए तुम किसको ले सकते हो, वेरी गुड, CDE में से किसी को भी ले सकते हो, एक बात बताओ CDE में से कितना को लोगे, एक को, दोनों थोड़ी बोला है, 1 शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया ना, क्लियर है, इन दिस केस क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट 2 शुड बी DP आउट ऑफ विच 1 शुड बी रेसिडेंट, यानी A एंड B आर डेजिग्नेटेड, अगर तुम A और B को डेजिग्नेटेड बनाओगे चलेगा क्या, क्योंकि दोनों ही फिर क्या हो जाएगा, तो अगर एक ए लिए हो तो एक किसको लो, या तो डी को लो, या तो ई को लो, या तो सी को लो, समझ रहे हो, या तो अगर तुम बी को भी ले सकते हो, लेकिन ए बी को एक साथ ले सकते हो क्या, क्योंकि फिर ए और बी दोनों ही क्या हो जाएगा, समझ गए, MCQ करवाएंगे नेक्स्ट क्लासेस का, यहां तक क्लियर है,
कोई दिक्कत है? कैसा लगा आज का क्लास दोस्तों? अच्छा लगा, लेकिन और अच्छा कब लगेगा? प्लीज एक सेकंड। नहीं नहीं, और अच्छा पता कब लगेगा? जब आज ही घर जाके 15 से 20 मिनट खाली तुमको लगेगा, सच बता रहे हैं, इसको रिवाइज करके आना। कल बिना रिवीजन क्या होगी, रिवाइज करके आओगे? कल कितने बजे आओगे? 11। टुमारो वी आर मीटिंग एट 11:15, ओके, फॉर द कंटिन्यूएशन LLP सेकंड क्लास टुमारो। आर यू गोइंग टू अटेंड? कल और क्वेश्चंस करेंगे पढ़कर, ठीक है? बट किसी का कुछ नोट्स छूट गया है तो प्लीज एक दूसरे से फोटोग्राफी कर लो और कमेंट करके जरूर बताना आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। आज का सेशन अच्छा लगा, आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज 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 टेलीग्राम चैनल में एक तो कमेंट करके बता दो, ठीक है? टेलीग्राम है ना आप लोग का प्यारा सा, उसमें कमेंट करके पक्का से बता दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एवरीवन।